अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर होगी है या नहीं? जी सर, शेयर है सर। जी सर, शेयर है अच्छा, सर। पीडीएफ फाइल है और इसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस? इट्स द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लैब एंड इट्स द लेबोरेटरी मैनुअल। द कोर्स कोड इज 407L। ये पूरा लैब की डिस्क्रिप्शन है, नाम है इसका, कोड है, और ये पूरी फाइल जो है इस लैब की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस लैब इज इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लेबोरेटरी, इट्स लेआउट एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। ठीक है, ये हमने मिस किया है। नॉर्मली रूटीन में जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपका टास्क इसमें ये होता है कि इक्विपमेंट के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट किस जगह पर पड़ा है, उसका नाम क्या है, और उसकी पूरी डिटेल जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उस इक्विपमेंट के ऊपर, तो उसकी पूरी डिटेल, लेट से एक्सपेरिमेंट आपने उस पर कर दिया, जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसके कंपोनेंट्स वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आप इस लेआउट वाले एक्सपेरिमेंट में हर इक्विपमेंट के नीचे दो तीन सेंटेंसेस छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर उन दो तीन सेंटेंसेस में आप जब इक्विपमेंट को डिस्कस कर लोगे उस रिलेवेंट लैब के अंदर, तो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को समराइज करके आप उस नाम के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दोगे। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब रिपोर्ट इज टू नो अबाउट द लेआउट ऑफ द लैब, इसके अलावा जनरल सेफ्टी गाइडलाइंस इक्विपमेंट की क्या है, और वो भी इस लैब का हिस्सा है, लेकिन एग्जैक्टली जिस तरह लेआउट में इक्विपमेंट की डिस्क्रिप्शन, आप रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट जब उस पर करोगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन उधर से आपको पता चलेगी। ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग आप क्या करेंगे कि इस तरह का एक ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इक्विपमेंट की मुख्तलिफ पोजिशंस के ऊपर उसके नाम जो है वो होने चाहिए, और उसकी जो डिटेल है जो यहाँ पर गिवन है वो आप फिर बाद में उससे आप लिख देंगे, जिस तरह हिल्टन वेपर कंप्रेशन एपरेटस है, या रीसर्कुलेशन एसी यूनिट है, या टेक्नोवेट रिवर्सिबल वेपर कंप्रेशन साइकिल एपरेटस है, डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन डिफ्रॉस्ट सिस्टम है, या विंडो टाइप एसी यूनिट है। तो इस पूरे लैब के अंदर फाइव इक्विपमेंट्स है। जो मेन इक्विपमेंट है जिससे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वन इज द टेक्नोवेट रेफ्रिजरेशन यूनिट एंड द सेकंड वन इज द रीसर्कुलेशन एयर कंडीशनिंग यूनिट। टेक्नोवेट रेफ्रिजरेशन यूनिट में नॉर्मली तीन एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, द एवरी एक्सपेरिमेंट, द टाइटल ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट इज जस्ट लाइक सिमिलर इन टू एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इन दैट यू विल नीड टू फाइंड द COP एक्सपेरिमेंटली थ्रू थ्री मेथड्स, और जो है उसमें दो एक्सपेंशन डिवाइसेस लगे हैं, एक कैपिलरी ट्यूब है, दूसरा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है। तो एक तरह से COP की पैरामेट्रिक स्टडी है विद रेफरेंस टू द एक्सपेंशन डिवाइस। तो कैपिलरी ट्यूब को यूज करके उस इक्विपमेंट की COP फाइंड करना, तीन मेथड से हम फाइंड करेंगे। वन इज द इनपुट पावर कंज्यूम्ड बाय द होल यूनिट उस लिहाज से, द सेकंड मेथड इज टू यूज द कार्नाट साइकिल, कार्नाट बेस्ड COP हम उसकी फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड मेथड इज बेस्ड ऑन द एंथैल्पीज, जो कि नॉर्मली आप प्रॉपर्टी चार्ट या pH डायग्राम ऑफ द रेफ्रिजरेंट से लेते हैं। ठीक है, तो इन तीन मेथड से हम एक्सपेंशन डिवाइस यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब वो यूज करके हम उसकी COP फाइंड करेंगे उस इक्विपमेंट की। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस इन ही तीन मेथड से हम
COP फाइंड करेंगे, बट इन दैट केस वी विल बी यूजिंग द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व. सो यू कैन से दैट इट्स बेसिकली द पैरामेट्रिक स्टडी ऑफ द COP विद रेफरेंस टू द एक्सपेंशन डिवाइस. ये एक्सपेंशन डिवाइसेस वी डिडंट डिस्कस द टॉपिक ऑफ द एक्सपेंशन डिवाइस इन द रिलेवेंट थ्योरी ऑफ दिस कोर्स, बट वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लास इन डिटेल. दैट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट रिड्यूसेस द प्रेशर फ्रॉम द कंडेंसर प्रेशर टू द एवोपोरेटर प्रेशर. सिमिलरली वी विल ऑल्सो डिस्कस द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एंड वी विल टेक द रिलेवेंट डेटा एंड थ्रू द थ्री डिफरेंट मेथड्स वी विल बेसिकली फाइंड द COP. सो वो रिलेवेंट लैब में उसके मुतल्लिक जो है फिर डिस्कशन होगी. लेकिन इस इक्विपमेंट का नाम जो आप यहाँ देख रहे हैं, द थर्ड वन, टिकनोएट रिवर्सिबल वेपर कंप्रेशन साइकिल अपरेटस, इससे हम तीन एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो तीन एक्सपेरिमेंट उनकी टाइटल्स वगैरह वो यहाँ पर मेंशन भी है. द फर्स्ट वन इज टू डिटरमिन द COP ऑफ कूलिंग ऑफ द टिकनोएट रेफ्रिजरेशन यूनिट यूजिंग द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल एज ए एक्सपेंशन डिवाइस. ठीक है, इससे हम जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल को यूज करेंगे और COP फाइंड करेंगे. ठीक है, इसी तरह इसी इक्विपमेंट पर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है दैट विल बी थ्रू द यूज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एज ए एक्सपेंशन डिवाइस एंड फाइंड द COP विद दोस थ्री मेथड्स. ठीक है, जो अभी डिस्कस किए हैं. सिमिलरली द थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इक्विपमेंट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस यूनिट एज अ हीट पंप मोड और उसको हीटिंग पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना, और देन यू विल एक्सपेरिमेंटली फाइंड द COP ऑफ हीटिंग दैट इक्विपमेंट. ठीक है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस इक्विपमेंट को हम हीट पंप मोड में चला सकते हैं. हीट पंप मोड क्या है, किस तरह ये चेंज हो जाता है, किस डिवाइस से वो चेंज होता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो डिस्कस हम करेंगे उस रिलेवेंट लैब में. ठीक है, तो टोटल थ्री एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक जो है आज का जो टॉपिक है कि इस इक्विपमेंट को डिस्क्राइब करना, वो मिला के 4 वीक्स जो है वो इस इक्विपमेंट से जो है हमारे कवर होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद रीसर्कुलेशन यूनिट है, नाम से जाहिर है कि इसमें एयर सर्कुलेट होगी और जो मुख्तलिफ साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस हैं, जिस तरह सेंसिबल हीटिंग है, सेंसिबल हीटिंग, स्टीम इंजेक्शन प्रोसेस जो कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, इसी तरह कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जो समर एयर कंडीशनिंग में करते हैं हम, वो सारी की सारी प्रोसेस वन बाय वन वीकली वाइज जो है इस रीसर्कुलेशन एयर कंडीशनिंग यूनिट से हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो ये दो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे. उसके बाद हमारे पास एक यूनिट है, डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन डिफ्रॉस्ट सिस्टम. डिफ्रॉस्टिंग का क्या मतलब है कि नॉर्मली आप लोगों ने फ्रिज या आ, आ, उसमें देखा होगा कि उसके ऑपरेटर के सरफेस के ऊपर बर्फ जम जाती है. ठीक है, या इसी तरह एयर कंडीशनिंग के जो एवोपोरेटर की जो ट्यूबिंग होती है उसमें जो ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी होती है, वो उस पर उसका टम्परेचर इतना गिर जाता है कि वो फ्रॉम द वेपर गैसियस स्टेट टू सॉलिड आइस जो है वो उस पर जो है उसकी लेयर बन जाती है आइस की. तो उससे उस इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है. परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एवोपोरेटर के अंदर प्रोड्यूस होता है वो कंप्लीटली एयर के ऊपर बेसिकली यूटिलाइज नहीं होती. तो हम क्या करते हैं कि वो बर्फ जो बन जाती है खास तौर पर फ्रिज के अंदर
ऑपरेटर के उस प्लेट के सरफेस के ऊपर जो बर्फ जम जाती है उसको कुछ टाइम के बाद हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फ्रॉस्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड डी फ्रॉस्टिंग इज इट्स रिमूवल, ठीक है। तो फोर मेथड्स हैं, ये बेसिकली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने बनाया था। तो उसी प्रोजेक्ट को हम लैब में डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए फॉर द डीफ्रॉस्टिंग ऑफ द आइस दैट इज फॉर्म ऑन द एवोपोरेटर कॉइल, वो हम उसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट इस फोर्थ इक्विपमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है चार्जिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनसाइड द एयर कंडीशनर। तो चार्जिंग किस तरह से होती है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि एयर कंडीशनर को अगर आप यूज़ कर ले तो 2-3 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनसाइड द इक्विपमेंट। तो उसके अंदर दोबारा किस तरह वो रेफ्रिजरेंट चार्ज की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रैक्टिकली हम जो है इसी फोर्थ इक्विपमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन डिफ्रॉस्ट सिस्टम इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। और तो उसका वो प्रोसीजर जो है वो क्या है, वो रिलेवेंट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस भी होगी और डिमॉन्स्ट्रेट भी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप पूछ लें। हेलो, पर वो हेलो जी, आप पूछ लें क्या क्वेश्चन है। पर वो कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है सर, ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा बेसिकली आपको पता है ना कि एसी के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कंडेंसर दूसरा है एवोपोरेटर। अब एवोपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उस एवोपोरेटर के साथ सराउंडिंग एयर कांटेक्ट में आती है, और आपको ये भी पता है कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। आप सैंपल ले ले एयर का रूम से और उसको ठंडा आप कर दे तो उस एयर को आप ठंडा करेंगे तो उससे पानी निकल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली जिस तरह समर सीजन में आप एसी ऑन करते हैं और उससे बाहर बाल्टी में उस पाइप के थ्रू उसके अंदर पानी कलेक्ट होता है, ठीक है। तो जब ये एयर बार बार एवोपोरेटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसकी टेम्परेचर इतनी ड्रॉप हो जाती है कि जो एयर की ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो अप्रोच होके लिक्विड बन जाएगा उस स्टीम से जो वेपर्स फॉर्म में है एयर के अंदर। एंड जब उस ट्यूब के ऊपर वो पानी रह जाएगा और मजीद रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उसके ऊपर यूटिलाइज होगी तो अल्टीमेटली वो लिक्विड वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब आइस बन जाती है तो उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब डीफ्रॉस्टिंग क्या है, इस आइस को रिमूव करना, इसको डीफ्रॉस्टिंग कहते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, इसलिए रिमूव करते हैं कि इससे परफॉर्मेंस जो है वो एयर कंडीशनर की वो खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है, इसलिए खराब होती है कि जो बाईपास फैक्टर है ईयर का वो बढ़ जाता है, क्योंकि ईयर जो है अगर ट्यूब के ऊपर ऑलरेडी आइस बनी हुई है तो ईयर की डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं बनेगी उस ट्यूब के साथ, बल्कि वो आइस के साथ उसका कांटेक्ट बनेगा और ट्यूब से वो खुद बाईपास होगी। तो हम क्या करेंगे कि उस आइस को रिमूव करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीफ्रॉस्टिंग। सो यस सर, समझ गया। फोर मेथड्स हैं, उससे हम डिफ्रॉस्टिंग जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। जी एनी क्वेश्चन। ना सर, थर्डली ब्रो, रिवर्स वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है जी, सर? ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है? अच्छा इसमें ये वर्डिंग का थोड़ा सा मसला है, इसको फॉरवर्ड या रिवर्स आप उसको नहीं कह सकते हैं। इसमें जो साइकिल यूज होता है एग्जैक्टली वही साइकिल है, ठीक है। द साइकिल रिमेन अनचेंज्ड। इसमें अगर अभी आपने सुना हो तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि इस यूनिट को हम
हीट पंप मोड में भी चला सकते हैं और उसको कूलिंग मोड में भी चला सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो वर्डिंग लिखी हुई है ये इसको रेफर कर रही है, ठीक है। तो जो हीटिंग मोड है या हीट पंप मोड में ये इक्विपमेंट चलता है तो उस मोड में भी साइकिल एग्जैक्टली वही रहता है, सिर्फ कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं। एवोपोरेटर कंडेंसर बन जाता है और कंडेंसर एवोपोरेटर बन जाता है, वाइल द साइकिल द वेपर कंप्रेशन साइकिल रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स की जो वर्डिंग है यहाँ पर आई थिंक ये उसमें लिखा होगा टेक्नोएट में, फॉरवर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड आल्सो फॉर रिवर्स वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो ये रिवर्स जो है आप इसकी जगह आप हीट पंप मोड का आप वर्ड जो है इसमें ऐड कर ले, ठीक है। जी सर। अच्छा और कोई क्वेश्चन हो तो सर लैब पूछ। रिपोर्ट, जी जी का क्या करेंगे जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते तब? लैब रिपोर्ट का आप ये कर सकते हैं कि ये जो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या इसके बाद जो है हर इंडिविजुअल लैब का मैं एक सेपरेट वर्ड फाइल आपको दूंगा, ठीक है। द बेस्ट अप्रोच इज के आप खुद अपनी कॉपी लिख ले हाथ से, ठीक है ना। और उसमें जो है लिट से अगर जिस तरह इससे पहले सेमेस्टर में जो प्रैक्टिस रहा है कि आप एंड में 2-3 वीक्स में आते हैं, डेटा लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि ये पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन सब अपने लिए प्रिंट कर दे और बाकी जो डेटा कलेक्शन है और डेटा एनालिसिस है वो आप हर एक्सपेरिमेंट के लिए अलग खुद जो है एक फाइल या कॉपी बना दे और उसको आप रिप्रेजेंट कर ले। तो बजाय इसके जिस तरह आम रूटीन में आप करते हैं कि आप लैब रिपोर्ट नॉर्मली एक दूसरे से लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज में आपको या वो डिटेल में आपको कॉमन दे दूंगा, बाकी एनालिसिस और डेटा कलेक्शन और उसकी एनालिसिस उससे सीओपी वगैरह फाइंड करना ये आप खुद अपने इंडिविजुअल बेसिस पर कर लोगे, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। अच्छा इस एक्सपेरिमेंट का आप इस तरह कर ले कि आप टाइटल लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्लॉक डायग्राम आप बना दे जिस तरह बना हुआ है, जो पोजीशंस लिखी हुई है 1 2 3 4 5 ये एग्जैक्टली इस लैब में इसी पोजीशन पर पड़ा हुआ है। अब 1 नंबर पर हिल्टन वेपर कंप्रेशन साइकिल है जिस तरह यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम में 1 लिखा हुआ है तो इसी पोजीशन पर आपका ये इक्विपमेंट पड़ा है। इस 2 पोजीशन पर रिसर्कुलेशन यूनिट है, 3 पोजीशन पर जो टेक्नोवेट यूनिट है वो है, यहाँ पर वो डिफ्रॉस्टिंग यूनिट है और बिल्कुल सामने जो टेबल है उस पर विंडो टाइप एयर कंडीशनर पड़ा हुआ है और यहाँ से इस रूम की इनलेट और एग्जिट डोर है, ठीक है। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आप बना देंगे, ठीक है। और इस इक्विपमेंट के नाम आप फिलहाल लिख दोगे और जो डिटेल है ये फिर बाद में जब हर इक्विपमेंट पर एक्सपेरिमेंट होगा तो उसको समराइज करके 2-3 सेंटेंसेस में उसकी आप लिख दोगे। जो सेफ्टी प्रिकॉशन है इक्विपमेंट की वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सही है सर जी। अच्छा नो द इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो टेक्नोवेट रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग यूनिट है वो मैं एक फिगर से करूँगा और 1 बाय 1 ईच इक्विपमेंट के ऊपर हम जाएंगे, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ये है और फिर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन हम करेंगे, ठीक है। अच्छा सो फॉर देट आई विल शेयर अनदर फाइल और उससे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ये वर्ड फाइल अगर शेयर हो गई है तो आप बता दें। जी सर शेयर हो गया। शेयर हो गया। अच्छा जो वर्ड टेक्नोएट है दिस इज एक्चुअली द कंपनी नेम, ठीक है।
जो जिस जिस कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है या नहीं? सर नजर आ रहे हैं। जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, इस पूरे यूनिट का नाम है टेक्नोवेट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट। ठीक है, ये वो इक्विपमेंट है जिससे हम सीओपी इन अ कूलिंग मोड या सीओपीएफ कूलिंग फाइंड करेंगे विथ थ्री मेथड्स, बाय यूजिंग द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल एंड बाय यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब एज एक्सपेंशन वाल। ठीक है, दूसरा जो इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट विल बी टू ऑपरेट दिस होल यूनिट इन अ हीट पंप मोड एंड टू फाइंड द सीओपी ऑफ हीटिंग, वो जो है हम उस इससे फाइंड कर सकते हैं। नो, व्हाट इज द इक्विपमेंट डिटेल, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इंस्टॉल इन दिस यूनिट एंड व्हाट आर दियर पर्पस एंड हाउ विल यू टेक द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर द डिफरेंट डिवाइसेस दैट आर इंस्टॉल इन दिस यूनिट। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये माउस की कर्सर आपको नजर आ रही है जो मैं इसको यहाँ पर घुमा रहा हूँ? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, जहां पर ये होगा ना, या जो मैं इक्विपमेंट डिस्कस करूंगा तो इसके ऊपर मैं ये कर्सर इस तरह घुमाऊंगा। ठीक है, और फिर उसको हम ठीक डिस्कस है सर। करेंगे। इस यूनिट को अगर आप देख लेना तो इसकी ऑन ऑफ एक नॉब यहां पर लगी हुई है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल छोटी सी नॉब है, इसको आप नीचे करेंगे इधर, इस पूरे यूनिट को इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर साइड पर इलेक्ट्रिक जो सॉकेट है उसके अंदर स्विच आप लगाएंगे तो इसको पावर मिल जाएगी। जब पावर मिल जाएगी ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक ये नाब आप नीचे ना घुमाए। इसको घुमाएंगे नीचे प्रेस करेंगे तो इस पूरे यूनिट को पावर मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास दो ब्लैक बटन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सही नजर नहीं आएगा लेकिन ब्लैक बटन एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, इन ब्लैक बटन की बेसिकली इस यूनिट के अंदर दो फैन लगे हैं। एक ये यूनिट है जो कि एज ए ऑपरेटर काम करता है कूलिंग मोड में, और एक ये यूनिट है जो कि एज अ कंडेंसर काम करता है कूलिंग मोड में। ठीक है, एवोपोरेटर की फैन की ऑन ऑफ बटन ये ब्लैक बटन है। ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहां पर इस हीट एक्सचेंजर के पीछे, इस पूरे ब्लॉक के पीछे, इसके पीछे एक पंखा लगा है, वो ऑन हो जाएगा और क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में इस हीट एक्सचेंजर से इस उस तरफ से एयर सक करेगा और इस तरफ थ्रो करेगा तो बिल्कुल स्क्रीन से आपकी तरफ जो है एयर जो है वो उसकी फ्लो होगी। ठीक है, उस साइड से आएगी, इससे गुजरेगी और आपकी तरफ वो ईयर थ्रो होगी। ठीक है, तो इस ब्लैक बटन से तीन रेंजेस में आप उस फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। हाई स्पीड पर आपने चलाना है तो इच के सामने इस ब्लैक बटन को आप रख देंगे। ठीक है, मीडियम स्पीड पर लगाना है तो इसको दरमियान में सेट कर देंगे, लो स्पीड पर उस फैन को चलाना है तो आप उसको लो के सामने वो बटन एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, तो फैन कंट्रोल जो है वो इस बटन से है और ये इस ऑपरेटर यूनिट की फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा ब्लैक बटन जो है इस कंडेंसर के पीछे भी फैन लगा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली बैक साइड पर उसका लगा होता है और उसकी भी ईयर की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है बैक साइड से ईयर को सक करता है और बिल्कुल आपकी तरफ, आपके स्क्रीन की तरफ जो है, आपकी तरफ ईयर को इससे क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में ईयर को थ्रो करता है। ठीक है, क्रॉस फ्लो डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें इस ट्यूब के अंदर यहां से जब रेफ्रिजरेंट एंटर होगा तो रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन जो फ्लो की डायरेक्शन है वो यू है, ठंड लेगा इस ट्यूब में, दोबारा इधर आएगा, फिर इधर आएगा और फिर इस यूनिट से यहां पर निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट की और ईयर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस यूनिट से गुजरता है, तो इसलिए इस कंडेंसर को आप क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर भी कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेवेंट?
अभी तक जो बताया मैंने। नो सर। अच्छा, उसके अलावा, सर जी, आप एवापोरेशन यूनिट और कंप्रेसर यूनिट सर कूलिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो सर, इसमें सिर्फ कूलिंग के लिए यूज करेंगे सर? क्या मतलब एवोपोरेशन यूनिट और कंडेंसर यूनिट? दोबारा आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या है सर आप दोबारा? जो हाँ सर ये कूलिंग यूनिट है। देखिए, इसमें कूलिंग, अगर कूलिंग मोड में आप चलाते हैं तो दिस विल बी एवोपोरेटर, तो इधर से ईयर जो आएगी ये देट विल बी कूल्ड ईयर, ठीक है, और यहां से जो ईयर आएगी देट विल बी हॉट ईयर। तो इसको अगर कूलिंग मोड में चलाते हैं तो आपका ये एवोपोरेटर होगा। अभी आप इसको हीटिंग मोड में चलाते हैं एज अ हीट पंप, तो ये एवोपोरेटर आपका कंडेंसर बन जाएगा और ये आपका एवोपोरेटर बन जाएगा। इनिशियली ये कंडेंसर है, ठीक है, तो इससे हम दोनों चीजें एनालाइज कर सकते हैं। इस पूरे कंपोनेंट को एक जगह पर रखने का मकसद ये है कि इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सके, वरना अगर प्रैक्टिकल एसी आप ले ले, स्प्लिट एसी, तो उसका जो इंडोर यूनिट होता है वो आपका एवोपरेटर होता है, जो समर सीजन में आप इस्तेमाल करते हैं, और जो बाहर लगा होता है वो कंडेंसर होता है। और उसी को अगर आप हीट पंप मोड में चलाते हैं फॉर एयर कंडीशनिंग इन विंटर सीजन, तो बटन के थ्रू आप उसको हीट पंप मोड में चला सकते हैं, और वो काम जो है, इसके अंदर एक वाल होता है और वो वाल यहां पर लगा है जिसको कहते हैं फोर वे वाल। तो फोर वे वाल क्या करता है कि इनिशियली जो यूनिट इवोपोरेटर के तौर पर काम करता है, रेफ्रिजरेंट की फ्लो की डायरेक्शन चेंज करा के उसको कंडेंसर में कन्वर्ट कर देगा, और इनिशियली जो कंडेंसर होगा वो आपका इवोपोरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका लेट्स से ये यूनिट अगर रूम के अंदर लगा है तो इनिशियली ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा रूम के अंदर, और अगर हीट पंप मोड में चला दे और ये रूम के अंदर इंसर्टेड है तो ये आपके रूम के एयर को गर्म करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपके पास एयर कंडीशनर का जो कंपोनेंट होता है वो आप चेंज नहीं करते, बल्कि वो एक ही जगह पर लगा होता है, ठीक है। जिस तरह स्प्लिट एसी में जो इंडोर यूनिट होता है वो एक ही जगह पर लगाए, आप इस तरह नहीं करते कि समर सीजन में इसको अंदर रख दे और विंटर सीजन में उसको बाहर रख दे, बल्कि उसी यूनिट के अंदर फोर वे वाल के जरिए से रेफ्रिजरेंट की फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो अंदर वाला यूनिट समर सीजन में कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है और विंटर सीजन में वो हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसको कूलिंग के लिए यूज करेंगे या हीटिंग के लिए यूज करेंगे, इसको हम दोनों पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, और इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर जो सीओपी है वो हम फाइंड करेंगे दोनों उसमें मोड्स में। जी ओके सर, थैंक यू। सर, और ये जो हीट एक्सचेंजर लगे हुए ये कितने पास की है, सिंगल है या डबल है सर? क्या मतलब कितने कितने क्या मतलब? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। सर हीट एक्सचेंजर एक होते हैं सिंगल पास और डबल पास होते हैं। अच्छा, सिंगल पास में क्या होता है थोड़ा सा आप बता दे, और डबल पास में क्या होता है? सिंगल पास में ये है कि जो फ्लूइड ट्यूब से पास होते हैं वो एक दफा पास होते हैं मतलब, और जो डबल पास में ट्यूब में से अच्छा वो, जी सर, हाँ, डबल पास में क्या, बताओ। वो जो ट्यूब में फ्लूइड फ्लो करेगा सर वो डबल पास होगा, मतलब है कि वो ट्यूब से दो दफा पास हो जाएगा सर। अच्छा, इसमें इस तरह है ना, यहां पर देख ले, इस कंडेंसर यूनिट की इनलेट पॉइंट ये है, ठीक है, और इसका एग्जिट पॉइंट यहां पर निकला हुआ है, थ्रू आउट ट्यूब है इसके अंदर, और यू टर्न लिया हुआ है, मतलब यहां पर सीधा आया हुआ है, यू टर्न लेके दोबारा गया हुआ है, तो इनलेट पर यहां पर इंटर हो जाता है और इन पूरे ट्यूब से गुजर के जो है वो आ जाता है इधर। तो मतलब ये है कि मतलब सिंगल स्टेज में एंटर होता है और सिंगल स्टेज में इससे निकलता है, लेकिन वो ट्यूब्स जो है बार बार इस पूरे हीट एक्सचेंजर के अंदर बेंट हुई है। तो अगर आप इसको डबल पास कहते हैं कि यहां से आ जाए और दोबारा जो है ठंड लेके उस तरफ दोबारा चला जाए, तो ये डबल पास, तो उस केस में आप उसको डबल पास कह सकते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने बताया है कि इस ट्यूब में इंटर होके और दोबारा जो है इधर मतलब एग्जिट से निकल के और दोबारा इधर आ जाए तो वो डबल पास होगा, तो उस लिहाज से ये सिंगल पास ही है। ठीक है, नहीं तो सर, वो जो मतलब वो टर्न ले के दोबारा आ जाता है इधर, ये जो है ये मल्टीपल पास है सर। हाँ, तो फिर ये मल्टीपल पास, तो इस तरह तो आपने कोई हीट एक्सचेंजर देखा है कि एक ही ट्यूब से गुजर के हीट एक्सचेंजर से निकल जाए, मतलब सिंगल पास हीट एक्सचेंजर आपने कभी देखा है कि एक ट्यूब लगा हो और वो उससे निकल जाए और दोबारा वो ठंड ना ले उस हीट एक्सचेंजर में? सर हम स्टडी करते थे सर, वो तो उसमें सिर्फ सिंगल ट्यूब एक्चुअली होता था। हाँ, बस वो स्टडी के लिए होता है सर के ट्यूब से वो एक दफा वो फ्लूड पास होते हैं तो उसको हम सिंगल पास तो कहते हैं। ये देख लेना, इधर ट्यूब एक ही है, इधर आया हुआ है ना, लेकिन फिर यू टर्न लिया हुआ है, बेंट होके दोबारा इस डायरेक्शन में उलट हो गया। ये इस साइड पर आप देख रहे हो, ये देख ले, इधर इस तरह बेंट है, यू टाइप बेंट है, तो इधर आ जाता है और फिर इधर इससे निकल जाता है। तो अभी इस पर आप वो डिफिनीशन इंप्लीमेंट कर दे, यहां पर वो बेंट आपको सही नजर आएंगे, ये देख ले यू बेंट है, यू बेंट है इस तरह। ठीक है, तो बेंडिंग इसमें हुई है ट्यूब, लेकिन सिंगल ट्यूब गुजर गया है, थ्रू आउट सिंगल ट्यूब है, और वो जब यहां पर आ जाता है तो बेंट लेके उसकी डायरेक्शन उलट हो जाती है, फिर बेंट होके तो इस तरह इस पूरे हीट एक्सचेंजर से ये ट्यूबिंग गुजरी हुई है और इसके ऊपर वो फिन्स बने हैं। ठीक है, फिन्स की जो पर्पस है कि एरिया इंक्रीज, सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा दे ताकि ज्यादा हीट एक्सचेंज हो सके एयर और रेफ्रिजरेंट के बीच। जी हेलो, सही है सर, जी के समझ आ गया। अच्छा, नो जो डिस्कशन है इसकी वो करते हैं। ठीक है, तो दो फैन है, उनकी कंट्रोल यहां पर है और मुख्तलिफ स्पीड पर भी आप उसको चला सकते हैं। दूसरा, यहां पर तीन गेजेस हैं, एक वाल्टमीटर का, दूसरा एम्पेयर मीटर का और थर्ड वाट्स मीटर है। ठीक है, तो आपने अगर फैन की वाट्स कंजम्पशन फाइंड करनी है तो सिंपल ये फैन ऑन कर दे, कंप्रेसर भी ऑफ होगा, कंप्रेसर की ऑन ऑफ बटन यहां पर है और वो भी एग्जैक्टली उसी तरह एक नाब है जो यहां पर इनपुट पर एक नाब ऑन ऑफ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कंप्रेसर भी ऑफ होगा, दूसरा फैन भी ऑफ होगा, इसको आपने ऑन किया होगा तो उस ऑपरेटर की फैन की पावर कंजम्पशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं या वोल्टेज कंजम्पशन या एम्पेयर जो वो ले रहे हैं वो आप इन मीटर से ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे फैन का भी आप ले सकते हैं, इसी तरह सिंपली कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन भी आप इन मीटर से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन स्केल की क्या पर्पस है, इसकी पर्पस ये है कि हमारे पास एक मेथड है सीओपी फाइंड करने का, दैट इज द सीओपी बेस्ड ऑन द इनपुट पावर, के इनपुट पावर एक्चुअली वो कितना लेता है उस हिसाब से सीओपी आपके पास क्या आती है। तो आपके पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, एवोपोरेटर की इनलेट और एग्जिट स्टेट पर एंथैल्पीज क्या है वो आप फाइंड करोगे और पावर कंजम्पशन होल यूनिट की इंक्लूडिंग द फैन एंड द कंप्रेसर आर ऑनली कंसिडरिंग द कंप्रेसर पावर कंजम्पशन वो आप फाइंड करके आप उस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के साथ उस पावर को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इस पूरे यूनिट की COP based on the input power consumption उसकी वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली जो आप COP फाइंड करते हैं based on enthalpies, उसमें आपके पास कंप्रेसर वर्क होता है, पावर नहीं होती। ठीक है, तो इसमें इनपुट पावर बेस मेथड है और एक्चुअल COP इससे आएगी क्योंकि जो एक्चुअली ये पूरा यूनिट जितना पावर कंज्यूम कर रहा है इसमें ये दो फैन भी आप इंक्लूड करेंगे और उसके नतीजे में आपको कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आता है, तो ये दोनों की रेशो जब आप लेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय द होल यूनिट पावर कंजम्पशन तो उससे आपके पास सीओपी बेस ऑन द इनपुट पावर उसकी सीओपी आ जाएगी। ठीक है, तो वो पावर कंजम्पशन आप इन मीटर से आप ले सकते हैं, वाल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर एंड वाट्स मीटर, पावर कंजम्पशन की भी मीटर यहाँ पर लगी हुई है। जी, इससे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले।
कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नो सर, अच्छा, क्लियर है सर। नो, आई विल स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज कंपोनेंट, यहाँ पर जो लगे हैं, ठीक है, वो वन बाय वन मैं करूंगा, लेकिन विद रेफरेंस टू द कूलिंग मोड ऑफ दिस इक्विपमेंट। कूलिंग मोड में क्या है कि उस मोड में ये राइट साइड पर जो हीट एक्सचेंजर है, दिस विल वर्क एज अ इवेपोरेटर, और लेफ्ट साइड पर जो यूनिट है, दिस विल वर्क एज अ कंडेंसर। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इस पॉइंट से इधर इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इधर आऊंगा, यहां पर ये सिलेंडर एक्सप्लेन हम करेंगे, इधर आएंगे इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर यहाँ पर दो एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं, वॉल 5 से होता हुआ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल है, वॉल 4 से होता हुआ हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, फिर यहाँ पर जो है हमारे पास इनलेट होगी टू द एवोपोरेटर, ये मैं डिस्कस करूंगा, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकल के बेंट लेके इधर आएगा, फिर ये पूरा एक मैकेनिज्म है इसके अंदर, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इधर से आके रेफ्रिजरेंट दोबारा इधर सक्शन पॉइंट से होता हुआ इस 4-वे वाल से गुजर के मिडल ट्यूब से होता हुआ कंप्रेसर में चला जाएगा, कंप्रेसर कंप्रेस करके इस ट्यूब से इस सिलेंडर के अंदर भेज देगा, और अगेन इस लिफ्ट ट्यूब से रेफ्रिजरेंट निकल के इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर दोबारा रेफ्रिजरेंट आएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्शन भी मैं बताऊंगा और इस कंपोनेंट की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप फोकस करें, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वंस यू अंडरस्टैंड इट द डेटा कलेक्शन फ्रॉम इट इज देन वेरी इजी। ठीक है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यूनिट इन द कूलिंग मोड इज वर्किंग एज अ कंडेंसर एंड दिस विल बी वर्किंग एज एवोपोरेटर। नो, नाम से जाहिर है कि कंडेंसर में कंडेंसेशन होगी, किस चीज की कंडेंसेशन होगी ये आप बता दें, किस चीज की कंडेंसेशन होती है वेपर कंप्रेशन साइकिल में? रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट और नॉर्मली वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट जो एंटर होता है कंडेंसर को, वो किस स्टेट में होता है? हाई प्रेशर स्टेट में होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। गैस गैस और स्टेट स्टेट उसकी क्या होती है? सर गैस वो वेपर होती है सर, लिक्विड, वो स्टीम में सुपर होती है, हीटेड, सुपर सुपर हीटेड हीटेड स्टीम होती है, वेपर होती है, स्टीम नहीं होती। ठीक है, वेपर क्योंकि होती है, सॉरी सर। स्टीम तो लिक्विड वाटर है और इसमें रेफ्रिजरेंट यूज यस होता है, सर, और जो रेफ्रिजरेंट इसमें यूज हो रहा है ना, दैट इज R12। ठीक है, R12 रेफ्रिजरेंट इस यूनिट में यूज हुआ है। ठीक है, सो ओके सर। कंप्रेशन के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहां से निकल के इस ट्यूब से इसके अंदर एंटर हो जाएगा। बिफोर एंटरिंग टू दिस यूनिट इनलेट पर उसकी एक स्केल लगी हुई है। ठीक है, ये कौन सा स्केल है? दिस इज द टेम्परेचर स्केल एंड इट इज कैलिब्रेटेड इन फारेनहाइट। किस में कैलिब्रेटेड है? फारेनहाइट में। फारेनहाइट ठीक है, ये आप अपने साथ अपने नोटबुक में मतलब आप इसको लिखते जाएं, ठीक है, क्योंकि ये आप फिर भूल जाएंगे। ठीक है, और इससे आपके मतलब वाईवे में भी क्वेश्चन होते हैं, आपका जो लैब पेपर होता है उससे भी रिलेवेंट इससे क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर जो भी तरीका आप अपनाते हैं लेकिन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास इस यूनिट के इनलेट पर स्टेट क्या होगी? सुपर हीटेड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, फिर इस पूरे हीट एक्सचेंजर के अंदर सॉलिड ट्यूब्स लगे हैं, लेकिन तीन जगहों के ऊपर वो ट्यूब जो है हमारे पास सॉलिड ट्यूब से चेंज होके वो ग्लास ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर अगर आप देख ले तो बिल्कुल टॉप पर एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, फिर मिडल पर एक दूसरी ग्लास लगी हुई है, और नीचे नीचे बॉटम पर इन ट्यूब के अंदर तीसरी एक ग्लास ट्यूब लगी हुई है। इसका पर्पस क्या है? इसकी पर्पस ये है कि जब यहां पर
रेफ्रिजरेंट एंटर हो जाएगा तो इस ग्लास ट्यूब में आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट की स्टेट क्या है। फिर मिडल ट्यूब में आप देखेंगे तो आप देख लेंगे कि रेफ्रिजरेंट की स्टेट थोड़ी सी चेंज हो चुकी होगी। बिल्कुल आखिरी ट्यूब के अंदर आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट की स्टेट कंप्लीटली चेंज होगी। तो इन ग्लास ट्यूब की इंसर्शन ऑफ द ग्लास ट्यूब इनसाइड दिस कंडेंसर यूनिट इज टू फैसिलिटेट द विजिबिलिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट स्टेट इनसाइड दिस कंडेंसर। सो इन द फर्स्ट ग्लास ट्यूब यू विल सी नथिंग बिकॉज द रेफ्रिजरेंट विल बी इन गैसियस स्टेट एंड यू कैन नॉट सी द फ्लूइड इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस ग्लास ट्यूब में आपको एम्प्टी स्पेस नजर आएगी, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि आपने फैन ऑन किया होगा तो पीछे से एयर क्रॉस फ्लो में इससे गुजरेगी, तो इस रेफ्रिजरेंट की स्टेट या इसकी टेम्परेचर उस एयर की निस्बत बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हाई रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब में जब गुजरेगा उसका टेम्परेचर हाई होगा, और इस ट्यूब के साथ जब इससे एयर गुजरेगी तो उसकी टेम्परेचर कम होगी, तो हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन द रेफ्रिजरेंट एंड एयर। और हीट किससे फ्लो करेगी, किसको फ्लो करेगी और किससे फ्लो करेगी? द हीट विल फ्लो फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट बिकॉज इट इज बीइंग एट अ हाई टेम्परेचर एंड इट विल फ्लो टुवर्ड द एयर बिकॉज द एयर दैट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद इट इज विद इज एट अ लो टेम्परेचर। So the heat will be rejected actually by the refrigerant and that heat will be absorbed by the air which is coming in contact. So kya hoga ke us refrigerant ki initially temperature drop hogi because it is in superheated region aur dome se wo bahar hai. So when it is rejecting the heat it will also experience a drop in the temperature of the refrigerant. So what will happen? Actually, the temperature will decrease, the pressure will remain constant, and ultimately, when it takes second run, again the more heat will be rejected, and ultimately, when it passes and it comes to the middle glass tube, you will see that in this glass tube there is the partially liquid phase as well as there will be empty space. The empty space will represent the gaseous phase of the refrigerant, while the liquid level that you will see in the middle glass tube, that will represent the liquid portion. And it will indicate that no, in the middle portion of this condenser heat exchanger, the refrigerant is inside the dome because you can see both the phases. And both the phases mean that the refrigerant is de-superheated and it comes inside the dome of the refrigerant. Ultimately, when it takes another turn inside this glass tube, it will further reject the heat, and ultimately when it reaches to the final glass tube and when it leaves this heat exchanger, you will see that the portion of the liquid in the last glass tube that you can see will be इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो गैस यहां पर एंटर हो रही थी वो पूरी की पूरी लिक्विड स्टेट में इससे निकल जाएगी। एंड अगेन एग्जिट पर दोबारा हमारे पास स्केल लगा हुआ है, दैट इज द टेम्परेचर स्केल। अगेन इट इज कैलिब्रेटेड इन फारेनहाइट, तो एग्जिट पर भी आप उसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेवेंट तो भी आप कर ले। क्लियर है? अच्छा, क्या आप समझे हैं थोड़ा सा आप मुझे बता दें। सर जो एयर आती है वो तो कंप्रेसर से वो कंप्रेस हो जाती है। तो यार इसमें एयर तो यूज नहीं होता ना, फिर इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। इसमें एयर नहीं होता, रेफ्रिजरेंट। जी जी, वो रेफ्रिजरेंट जो आता है तो वो हाँ। कंप्रेसर में कंप्रेस हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो हाई टेम्परेचर से वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में तीन ग्लासेस लगे, तीन ग्लास ट्यूब से, और बाकी ट्यूब जो है वो मेटल्स के।
उस जी एयर फ्लो होती है, तो रेफ्रिजरेंट से हीट जो है वो एयर में फ्लो हो जाती है पहले वो क्यों हो क्या? जाती है ईयर में, क्यों हो जाती तो है? हाँ सर रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो सुपर हीटेड वेपर है ना, एग्जैक्टली तो मिडल क्लास में जो है गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस प्लस और लिक्विड स्टेट में होता है, और जो सबसे नीचे वाले ग्लास ट्यूब में आ जाते हैं तो सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट में हमारे पास कंडेंसर से एग्जिट हो जाते हैं सेचुरेटेड लिक्विड। हाँ, तो हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल में फोर प्रोसेसेस थे। वन वाज कंडेंसेशन, द सेकंड आफ्टर द कंडेंसेशन देयर वाज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो यस प्रेशर रिडक्शन करता है, फिर उसके बाद यस सर एवोपोरेशन है और फिर कंप्रेशन है। तो एक यस प्रोसेस सर कंप्लीट हो गया है रेफ्रिजरेंट के ऊपर इस कंडेंसर यूनिट के अंदर। और इसमें एक ग्लासेस ट्यूब लगाने की पर्पस सिर्फ ये है कि आप रेफ्रिजरेंट की स्टेट देख सके कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और इनलेट और एग्जिट पर दो टेम्परेचर स्केल हैं जो कि फारेनहाइट में कैलिब्रेटेड है, ठीक है। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ ले। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। सर, ये कंप्रेशन कौन सा होगा सर, आइसोथर्मल होगा या किस चीज में कंप्रेशन सर जो कंडेंसर में कंप्रेस हुआ है? यार? ये कंप्रेस होगा इधर कंप्रेसर के अंदर, कंडेंसर में कोई कंप्रेशन नहीं होती। वो कंप्रेशन प्रोसेस इस कंप्रेसर के अंदर होता है, ठीक है। एंड दैट इज प्रैक्टिकली दैट विल नॉट बी आइसेंट्रोपिक बिकॉज द एंट्रोपी विल इंक्रीज, बट आइडियली फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम आइसेंट्रोपिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है दैट इज आइसोबैरिक, प्रेशर विल रिमेन द सेम बट द टेम्परेचर विल चेंज। इट विल चेंज फ्रॉम द सुपर हीटेड रीजन अंटिल टू द पॉइंट दैट इंटरसेक्ट विद द सेचुरेटेड वेपर लाइन। उस तक टेम्परेचर ड्रॉप होगा, फिर डोम के अंदर वो टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा बिकॉज इन साइड ऑफ द डोम द लेटेंट हीट इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो उसके अंदर वो टेम्परेचर वो कॉन्सेंट रहेगा। सो थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कॉन्सेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट दैट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन होती है, ठीक है। यस सर। सर अच्छा, ये और जो कंप्रेसर है कौन से टाइप की है? अच्छा, इसमें जो कंप्रेसर यूज हुआ है दैट इज रिसिप्रोकेटिंग टाइप। इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको पावर मिलती है इलेक्ट्रिक पावर, और वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मोशन करती है, और इस पूरे केसिंग के अंदर वो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। तो एक साइड से वो सक करता है, दूसरे साइड पर उससे एज अ डिस्चार्ज प्रेशर के ऊपर उससे निकलता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इस हर रेलेवेंट इक्विपमेंट से जो अभी आपने कंप्रेसर की क्वेश्चन पूछ ली है, ठीक है, तो ये जब इसकी डिस्कशन होगी तो उधर आप पूछ ले। अभी पहले जो डिस्कस हम कर रहे हैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आप करें, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। सर ये जो ट्यूब्स हैं सर, इनका मटेरियल कौन सा सर? कॉपर है अच्छा, कौन सा इसमें? सर जो ट्यूब्स हैं सर, ये हमारी पास कंडेंस। अच्छा, एक पॉइंट अगर आपको थ्योरी में याद हो, हम जब रेफ्रिजरेंट डिस्कस कर रहे थे तो एक प्रॉपर्टी थी मटेरियल कंपेटिबिलिटी, याद है ना आपको, कि जो रेफ्रिजरेंट आप यूज करेंगे वो उस मटेरियल के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एमोनिया से रिलेवेंट एक डिस्कशन हमने की थी कि एमोनिया इज नॉट कंपेटेबल विथ कॉपर, ठीक है ना। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है दैट इज R12, एंड R12 इज ओके विथ कॉपर, ठीक है ना। तो इसमें कॉपर यूज हुआ है, बाकी जो एमोनिया वगैरह उसमें मटेरियल कंपेटिबिलिटी का जो इश्यू आता है तो उस हिसाब से जो है वो आप उसमें लगाएंगे। लेकिन टारगेट आपकी ये होनी चाहिए कि जो कंपोनेंट आपका बनेगा वो हेवी साइज का ना बने, मतलब कॉपर अगर लाइट है एज कंपेयर टू अदर मटीरियल तो आप कॉपर ही यूज करें। लेकिन इसमें मेन प्रॉपर्टी आप मटेरियल कंपेटिबिलिटी का आप देखेंगे, ठीक है। राइट सर। अच्छा, एनी फर्दर क्वेश्चन? नो।
यहां पर अभी आप गौर करें, ठीक है, ये मैं डिस्कस करूंगा, ये सिलेंडर और ये तीन वाल्स, वन जो ऊपर लिखा है इसके साथ यहां पर टू लिखा है, आपको सही नजर नहीं आ रहा ये फिगर, आप जब आपके साथ ये वर्ड फाइल में शेयर कर दूंगा तो इसको थोड़ा सा जूम आप करेंगे तो यहां पर टू लिखा है, ठीक है, और इस वाल के साथ यहां पर थ्री लिखा है, तो इसकी पर्पस है, ठीक है, इफ यू ओपन दिस वाल वन एंड यू क्लोज वाल टू, सो द रेफ्रिजरेंट विल कम आउट फ्रॉम दिस कंडेंसर यूनिट एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड थ्रू वाल टू इट विल गो थ्रू वाल वन और यहां पर आ जाएगा इधर इस ट्यूब में, ठीक है, सो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी to use wall 1 and close wall 2 so the refrigerant will go through this shortcut path and it will come over here. Now if you want to use this cylinder, you will close this wall 1, you will open wall 2 and you will open wall number 3. So the refrigerant will come actually through this tube, it will enter this cylinder, it will be partially filled and from the bottom from this cylinder another tube is connected which lead toward this wall number 3, so it will enter to this cylinder through wall 2 and it will leave this cylinder through this wall number 3 and again it will reach over here. So why these three walls are attached over here? The purpose is to utilize this cylinder or to bypass this cylinder. So this cylinder name is liquid receiver tank. What is the name of this cylinder? It is known as liquid receiver tank. I repeat, this cylinder name is liquid receiver tank. Now, the purpose of this liquid receiver tank is to store the refrigerant temporarily. ठीक है, क्या purpose है इसका? इसका क्या पर्पस है बता दे? रेफ्रिजरेंट टेम्परेरी, रेफ्रिजरेंट को आरजी तौर पर स्टोर करे, क्यों स्टोर करे और किस रेफ्रिजरेंट को स्टोर करे? जो एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से यहां पर आ रहा है उसको स्टोर करे और जो रिक्वायर्ड है आगे इवेपोरेटर के अंदर वो इससे निकल जाए. अगर इसको हम हटा दे तो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब में आएगा, इधर स्टोर हो जाएगा इस ट्यूब में यहां तक. तो अगर एवोपरेटर के अंदर कम रिक्वायर्ड है और यहां से आ रहा है ज्यादा तो ये पूरा का पूरा ट्यूब भर जाएगा इससे. और पीछे से कंप्रेसर क्या कर रहा है? इस कंप्रेस ये कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है और इसको भेज रहा है. तो अगर इस कंप्रेसर के आगे लो लाइन रेफ्रिजरेंट से बंद हो जाए तो इसका लोड आ जाएगा इस कंप्रेसर के ऊपर, क्योंकि कंप्रेसर क्या कर रहे है? फ्लो भी करा रहे और उसको कंप्रेस भी कर रहा है. तो आगे अगर फ्लो लाइन के अंदर पूरी की पूरी रेफ्रिजरेंट बरी हो जाए, उसके अंदर भर जाए और वो ट्यूब फुल हो जाए रेफ्रिजरेंट से, तो उसका इंपैक्ट आएगा कंप्रेसर के ऊपर, कंप्रेसर वर्क जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. तो उसको थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस देने के लिए वो रेफ्रिजरेंट टेम्पररी यहां पर स्टोर हो जाती है. तो जो एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट होगा वो इस सिलेंडर लिक्विड रिसीवर टैंक के अंदर स्टोर होगा और जितना रिक्वायर्ड होगा वो इस ट्यूब से निकलेगा और आगे फीड होगा एवोपरेटर के अंदर. ठीक है, तो कंप्रेसर के ऊपर लोड कम करने के लिए ये लिक्विड रिसीवर टैंक यहां पर लगा होता है. ठीक है, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं सो यू विल ओपन वाल टू, यू विल क्लोज वाल वन एंड सिमिलरली यू विल ओपन वाल नंबर थ्री. तो टू से इस सिलेंडर के अंदर आएगा और बॉटम से इसका ट्यूब निकला हुआ है जो आगे वाल थ्री को लीड करता है, तो इस वाल थ्री से होता हुआ रेफ्रिजरेंट यहां पर आ जाएगा. सो यहां से लेकर यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले. जी क्वेश्चन है किसी का या क्वेश्चन होगा या नहीं होगा तो कुछ तो आप बता देना. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लिक्विड रिसीवर टैंक आप मुझे बता दे. सर इसमें हमारे साथ जो है वो लिक्विड एक्स्ट्रा लिक्विड होते हैं वो स्टोर होते हैं. वो क्यों क्यों स्टोर होता है, पर्पस क्या है? ताकि हमारे पास जो कंप्रेसर है इस पर लोड ना आ जाए.
कंप्रेसर पर लोड क्यों आएगा अगर स्टोर ना क्योंकि हो हमारे जाए? पास ट्यूब में सर वो लिक्विड रह जाएगा, वो भर जाएगा, तो फिर उस पर लोड आएगा कंप्रेसर पर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, सही है, गुड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख ले, एक दूसरा स्केल भी लगा है, एक गड़ी टाइप है, ठीक है। दिस इज द प्रेशर मयरिंग डिवाइस, ठीक है। एक यहाँ पर लगा है, तो इस डिवाइस से पहले आफ्टर द कंप्रेशन जो प्रेशर होगा वो इस प्रेशर गेज से फाइंड करेंगे, और कंडेंसर के बाद अगर थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप हुआ है, प्रैक्टिकली प्रेशर ड्रॉप होता है। क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि फ्लो जब होती है ट्यूब के अंदर तो उसको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिलती है, और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से कुछ प्रेशर जो है वो ड्रॉप होती है। तो जो ड्रॉप इन प्रेशर है आफ्टर एग्जिट ऑफ द कंडेंसर, इस स्केल से आप उसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इनलेट पर, इस यूनिट के इनलेट पर, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो इनलेट ऑफ द कंडेंसर पर प्रेशर आप इस गेज से फाइंड करेंगे, और एग्जिट ऑफ द कंडेंसर पर आप यहाँ पर इस प्रेशर से आप उसका प्रेशर फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस दिस लिक्विड रिसीवर टैंक एंड वी हैव डिस्कस वॉल नंबर 1, 2 एंड 3। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉल नंबर 1? इट्स पर्पस इज टू बाईपास दिस लिक्विड रिसीवर टैंक। अगर आप If you are sure that no extra amount is coming from here, so you can actually bypass this liquid receiver tank and you can make use of this wall number one. आगे जो है, एक छोटा सा डिवाइस यहां पर लगा है जिसके ऊपर एग्जैक्टली अभी मैंने ये कर्सर उसके साथ टच की हुई है, ठीक है। इसके अंदर एक शीशा सा होता है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहां पर रेफ्रिजरेंट आएगा, इसका नाम है साइड स्क्रीन। क्या कहते हैं इसको? साइड स्क्रीन। इसको क्या कहते हैं? कोई रिपीट कर दे। साइड स्क्रीन साइड स्क्रीन साइड स्क्रीन नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं। इस साइड स्क्रीन की पर्पस क्या है? थ्रू दिस साइड स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो अगर इस साइड स्क्रीन में रेफ्रिजरेंट की लार्ज अमाउंट में आपको बबल्स दिखाई दे, तो उसकी इंडिकेशन क्या होगी कि इस यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट कम पड़ गया है, एंड यू नीड टू चार्ज द रेफ्रिजरेंट इन इट, ठीक है। चूंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है और लैब में यूज होता है, तो इसमें इंडिकेशन होनी चाहिए कि इसके अंदर अभी चार्ज रेफ्रिजरेंट प्रॉपर अमाउंट में चार्ज है और इट इज डिफिशियंट इन अमाउंट। So the indication will be the larger amount of the bubble formation that you can see in this side screen. If you can see large amount of bubbles in this side screen, then you can indicate, or it will be indicated, or that will be the indication that the refrigerant inside this whole unit is in a small amount, and you need to charge the refrigerant inside this unit. जी, एनी वन वो कैन रिपीट द द द वर्किंग ऑफ दिस साइड स्क्रीन इन दिस यूनिट? सर इसका परफॉर्मेंस ये है कि सर इसकी वजह से हमें ये मालूम होता है कि रेफ्रिजरेंट सफिशिएंट है या डिफिशिएंट है हाँ सर। लेकिन एग्जैक्टली एक क्वेश्चन जी 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 सर, ये कितनी देर तक हम इस्तेमाल करते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट कम पड़ जाता है इसमें? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ट्यूबिंग इनसाइड, ठीक है। इसमें जो जॉइंट्स वगैरह है वो इसकी यूज किस तरह आप कर रहे हैं। अगर रफ यूज कर रहे हो, या लेट्स से आप ट्यूब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप ट्यूब के साथ आप हाथ लगा रहे हैं, या इसको मतलब आप हिला रहे हो, ठीक है, तो जो ट्यूबिंग की जो कनेक्शन है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उससे वो लीकेज हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर ट्यूब रस्ट की वजह से इसमें होल्स ना बने, या जो कनेक्शन वगैरह है वो खराब ना हो, तो उसमें रेफ्रिजरेंट की जो चार्जिंग का जो इशू है वो नहीं आता। लेकिन अगर ये इशू आ जाए तो फिर इससे लीकेज हो सकती है। सर जी पिछले साल तो आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा सर,
ये मसला आता पिछले है साल इसमें कि नहीं, लाइक ये इक्विपमेंट हमारे टाइम में भी था, ठीक है। और अभी आप 8 सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे हैं, हम भी 8 सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, एंड वी वर बैच 13, 13 में हम ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है। तो हमसे पहले ये बहुत अरसा जो है ये यूज हुआ है, तो अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया है, क्योंकि दिस इज द लेब इक्विपमेंट, और अगर हर साल बाद इसमें चार्जिंग का इश्यू इश्यू आता हो तो ये तो फिर काम का नहीं रहेगा। तो इसमें जो जो इसकी मतलब मैकिंग है या जो बना हुआ है, अभी तक इससे कोई इस तरह का मसला नहीं आया। ठीक है सर। और ये जो प्रेशर गेज लगे हुए है सर, ये कौन सी यूनिट में प्रेशर मेजर करते अच्छा, हैं? इसका यूनिट अभी मैं मुझे पता नहीं है। इसमें दो एक्चुअली दो स्केल है, ठीक है, पीसाई में भी है और दूसरा एक स्केल भी है उसमें भी है, लेकिन ये मैं कंफर्म कर दूंगा, अभी मुझे पता नहीं है कि किस स्केल में है, ठीक है, लेकिन दो स्केल है एट अ टाइम। ठीक है सर, ठीक। और सर ये जो कहते हैं कि गैस कम होगी है सर, फिर जब वो गैस उसमें डालते हैं सर, वो क्या सिस्टम होता है? मतलब वो उसके रेफ्रिजरेंट से क्या ताल्लुक बनता है? गैस कम हो गई है तो इसका मतलब यह है कि वो टिपिकल जो इसका जो टेक्निकल वर्ड है कि रेफ्रिजरेंट कम हो गई है, ठीक है ना। अच्छा सर, राइट सर, सही। वो रेफ्रिजरेंट को कहते हैं हाँ गैस। हाँ वो आम वर्ड्स में या आम लोग जो है इसको गैस कहते हैं, लेकिन टिपिकल उसका वर्ड है रेफ्रिजरेंट। राइट सर, सही। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। सर ये R12 हम ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, R12 इज बैंड नो, ठीक है, ये पुराना कंपोनेंट है और इसमें यूज हुआ है तो अभी मजबूरी है, ठीक है। R12 अगर आप देख ले तो इसमें क्लोरीन होता है, ठीक है, एंड क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन, और वो हमने डिस्कस किया था इसकी थ्योरी में कि इसमें क्लोरीन जो निकल जाता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में इसका जो क्लोरीन है इससे एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाता है, और वो एटॉमिक क्लोरीन ओजोन जो O3 मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 और एक एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और एज ए रिजल्ट उसमें एक CLO बन जाता है। वो CLO अनस्टेबल होता है, वो मजीद डिसोसिएट होके एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर फर्दर नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट बैन हो चुका है, और अभी अकॉर्डिंग टू दो दैट मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन एक जो वो बनी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उस हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट बैन हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली इसकी थोड़ी बहुत जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी है, तो ये अभी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन लैब में इक्विपमेंट में ये बहुत पहले चार्ज हो गया है तो इसको मजबूरन हम यूज कर रहे हैं जी। ओके सर, लेकिन अमूमन जो रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, दैट इज R134a एंड R22 आपके ये स्प्लिट या इन इन एसीज वगैरह में वो यूज होता है, ठीक है। और कोई ओके क्वेश्चन हो सर, तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अच्छा, नो आफ्टर दिस कंपोनेंट वी हैव अनदर कंपोनेंट ओवर हियर, ठीक है। एक मेटालिक सिलेंडर टाइप चीज है और इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब यूज हुआ है और उसके ऊपर कैलिब्रेशन है, ठीक है। इस पूरे यूनिट का नाम क्या है? सबसे पहले इसका नाम सुन ले, दिस इज नोन एज द फ्लो मीटर। फ्लो मीटर का क्या पर्पस होता है? कि फ्लो को इंडिकेट कर दे, और कौन सी फ्लो रेट? हमारे पास मुख्तलिफ फ्लो रेट्स हैं, एक वॉल्यूम फ्लो रेट है, दूसरा मास फ्लो रेट है, और कोई फ्लो रेट है हमारे पास? वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट के अलावा कोई और फ्लो रेट होती है फ्लूइड की? जी बस ये दो ही है सर। हाँ, दो ये है, ठीक है।
सो सर वी देयर इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द सीओपी विच इज नोन एज बेस्ड ऑन इनपुट पावर। इनपुट पावर आपके पास पावर यूनिट में होता है, मींस के किलो जोल पर सेकंड। और हमारे पास रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हम एंथैल्पी से लेते हैं, दैट इज इन किलो जोल पर केजी। तो यूनिट कंसिस्टेंसी के लिए इस थर्ड मेथड में जो सीओपी बेस्ड ऑन इनपुट पावर है, उसमें हमें मास फ्लो रेट को भी मल्टीप्लाई करना होता है विद द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो इन ऑर्डर टू गेट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन पावर यूनिट, यू नीड द मास फ्लो रेट, एंड दैट मास फ्लो रेट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस फ्लो मीटर। अब इस फ्लो मीटर, इनसाइड दिस फ्लो मीटर देयर इज अ सिलिंड्रिकल टाइप ग्लास ट्यूब, एंड इन दैट सिलिंड्रिकल टाइप ग्लास ट्यूब देयर इज अ स्मॉल मेटालिक बॉल। ठीक है, उसके अंदर एक मेटालिक छोटी सी एक बॉल सी होती है, जो बॉल बेयरिंग होती है, या जो आप साइकिल के एक्सल में आपने एक छोटा सा वो देखा हो, ठीक है, जिसको पुश्तों में क्या कहते हैं, चरा कहते हैं। ठीक है, वो चरा टाइप इसमें एक बाल लगा होता है। ठीक है, तो जब इससे फ्लो होती है, दैट बाल टेक सम हाइट। ठीक है, तो द हाइट दैट इट टेक्स इनसाइड दैट ग्लास ट्यूब, वट एवर द डिजिट इज इन फ्रंट ऑफ दैट बाल, दैट विल बी एक्चुअली द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटिंग इन दिस होल यूनिट। ठीक है, उसमें उसकी जो मास फ्लो रेट है, वो बॉल बेयरिंग जिस डिजिट के सामने आएगा, उसकी मास फ्लो रेट वो बन जाएगी। बट द यूनिट ऑफ द मास फ्लो रेट इन दिस फ्लो मीटर, विच इज इंडिकेटेड बाय दिस फ्लो मीटर, इज इन पाउंड पर मिनट, एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इन टू केजी पर सेकेंड, बिकॉज द एंथैल्पीज एक्सेट्रा आर कैलिब्रेटेड इन द प्रॉपर्टी टेबल इन किलो जोल पर केजी। सो देयर इज अ कन्वर्जन फैक्टर इन्वॉल्व इन इट, एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद दैट फैक्टर, एंड यू विल कन्वर्ट इट इन टू केजी पर सेकेंड। ठीक है ना, ओके समझ रहे हो सर, या नहीं? यस जी यस सर, अंदर कोई क्वेश्चन है आपका? होता है जी, क्वेश्चन आप करें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। कौन सा इस्तेमाल होता है इधर रेफ्रिजरेंट इसमें कौन सा यूज होता है? नो सर, मेटालिक सिलेंडर सर, जो मेटालिक सिलेंडर इस्तेमाल होता है इसमें कौन सा मेटल इसकी है? इसकी जो वो है ना, वो जो केसिंग है, वो मेटल टाइप चीज है। ठीक है, मटेरियल का मुझे पता नहीं है, और उस केसिंग के अंदर एक ट्यूब लगा हुआ है, और उस ट्यूब के अंदर वो बाल पड़ा हुआ है। ठीक है, मेटालिक बाल होता है। ठीक है, तो जब उससे फ्लो होती है, तो इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की हुई है कि जितना वो हाइट गेन करता है, उस हाइट के बेसिस पर उसकी मास फ्लो रेट वो कैलिब्रेट हुई होती है स्केल के अंदर। ठीक है, तो हम वो हाइट उसका देखते हैं, जिस हाइट पर होगा वो डिजिट हम ले लेंगे, तो पाउंड्स पर मिनट में उसकी मास फ्लो रेट आ जाएगी, और उसको फिर वो कन्वर्जन फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करके उसकी केजी पर सेकंड में वो मास फ्लो रेट ले लेंगे। सर ये तो फिर उसी तरह ही हुआ, फ्लोट बॉल की तरह सर, जो हमारा वाटर टैंक्स में होता है। हाँ तो वाटर टैंक में वो मास फ्लो रेट मैयर होती है उससे। नहीं सर, उसमें तो मतलब वो बताता है ना अपना हाइट वगैरह, उसका हाँ, लेवल, इसमें उसमें उसकी कन्वर्ट, परपज जस्ट उसमें, हाँ कन्वर्जन है। उसकी परपज वहां पर कुछ और है, यहाँ पर मास फ्लो रेट इससे हम मैयर करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो सर ये जो सर, फ्लो फ्लोमीटर है, ये कौन से टाइप फ्लोमीटर है सर? अच्छा क्या मतलब फ्लो मीटर के टाइप्स हैं, आप मुझे बता दे क्या क्या टाइप्स हैं। सर एक जो है डिफरेंशियल है टाइप फ्लोमीटर है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर है, अच्छा वेंचुरी तो फ्लोमीटर है सर। वेंचुरी मीटर से तो आप वो वॉल्यूम फ्लो रेट आप फाइंड करते हैं, यहाँ पर मास फ्लो
आप करते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल और ये चीजें आपने बताई है, अगर दिस इज लेट से मास फ्लो मीटर की कैटेगरीज आपने बताई है, तो उसका मुझे मतलब अंदाजा नहीं है कि इसमें ये फ्लो मीटर किस टाइप का है, ठीक है, ये मैं देख लूंगा। सही है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ ले, अदरवाइज सिर्फ इस लेवल तक आपको आना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है, फाइंड किस तरह से करेंगे, इससे डेटा किस तरह लेंगे, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले, अदरवाइज वी शुड प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट कंपोनेंट। अच्छा, आगे जो है एक सिलेंडर सा लगा हुआ है, ठीक है, इस फ्लो मीटर के आगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास वाल नंबर 4 है ऊपर और वाल नंबर 5 है। इस सिलेंडर का नाम है ड्रायर, क्या नाम है इसका? अच्छा, ड्रायर की पर्पस इसमें क्या है, आप मुझे बता दे, ये बार बार हमने डिस्कस भी किया है। मॉइस्चर को रिमूव करता है रेफ्रिजरेंट। हाँ, एग्जैक्टली। और क्यों हम रिमूव करते हैं मॉइस्चर इससे? अरे फतुल्ला, आप बता दे, पता है आपको? सर कंप्रेशन मतलब है प्योरली उसकी वो रेफ्रिजरेंट। कंप्रेशन फेवरली हो, इसमें वो डुअल फेस का चक्कर नहीं है, इतनी हाई अमाउंट में मॉइस्चर नहीं होती कि आप कहे कि डुअल फेस कंप्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसका इसके दो इफेक्ट है, लेकिन जिस पर्पस के लिए इसमें लगा हुआ है वो इफेक्ट सिंगल है, ठीक है। दो इफेक्ट इसके ये हैं कि एक तो जब ये रेफ्रिजरेंट मॉइस्चर कंटेंट के साथ इवेपोरेटर में जाएगा तो इसकी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कंप्लीटली एयर के ऊपर यूटिलाइज नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसके ऊपर यूटिलाइज होगी, ठीक है। दूसरा इसका पर्पस क्या है कि आगे अगर आप देख ले इस ड्रायर के आगे वाल नंबर 4 को अगर आप देख ले, यहां पर एक छोटी सी ट्यूब की कॉइल आपको नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आपको यहां पर भी दिख रहा है, तो इस तरह का एक छोटा सा ट्यूब यूज हुआ है, ठीक है ना। और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रेशर रिडक्शन होती है, तो जब प्रेशर रिड्यूस होगा रेफ्रिजरेंट का तो वो बहुत लो टेम्परेचर पर आएगा, लो टेम्परेचर पर आएगा तो इसके अंदर अगर ये ड्रायर हम हटा दे तो मॉइस्चर भी आएगी, और आगे उसके आगे जो है एक स्मॉल डायमीटर इन मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है, वो ट्यूब सामने आती है, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर उसके अंदर कंडेंस हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो ये ट्यूब आगे की कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, तो जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो रेफ्रिजरेंट की फ्लो इस पूरे सर्किट के अंदर स्टॉप हो जाएगी और आपका इक्विपमेंट जो है कंप्रेसर के ऊपर लोड आ जाएगा और आपके ट्यूब फटने का जो है वो खतरा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस चोकिंग फिनामिना को स्टॉप करने के लिए हमने इसके अंदर ड्रायर लगाया होता है, इस ड्रायर इस केसिंग के अंदर सिलिका जेल होता है, तो अगर थोड़ी बहुत रेफ्रिजरेंट के साथ मॉइस्चर ड्यूरिंग द चार्जिंग इसके अंदर आई होती है तो वो सिलिका जेल उससे एब्जॉर्ब करके प्योर सिंगल रेफ्रिजरेंट सिंगल फेज रेफ्रिजरेंट जो है वो एलाउ करता है, ताकि आगे जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर या आगे इवेपोरेटर के ट्यूब के अंदर उसकी चॉकिंग काज ना हो, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए इसके अंदर ये ड्रायर यहां पर लगा होता है। जी, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, नो सर। आगे हमारे पास दो वॉल्स हैं, वन इज वॉल नंबर 4 एंड द सेकंड वन इज वॉल नंबर 5। सो इफ यू आर ऑपरेटिंग दिस यूनिट इन अ कूलिंग मोड, यू कैन आइदर यूज वॉल नंबर 4 एंड यू कैन आइदर यूज वॉल नंबर 5 एट वन सिंगल टाइम, यू कैन नॉट यूज बोथ एट वन टाइम, ठीक है। सो
इफ यू आर यूजिंग वाल नंबर फोर, वो आगे जाएगा, लीड करेगा टू द कैपिलरी ट्यूब. यहाँ पर एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब है और उस ट्यूब को बोट्रन जो है हमने दिए होते हैं, या इस इक्विपमेंट के अंदर बोट्रन दिए हैं. इसकी पर्पस है, ठीक है, इंट्रन्स की पर्पस ये नहीं है कि इससे प्रेशर रिडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट आता है. इसकी पर्पस ये है कि कम स्पेस के अंदर उसको हम रख दे, क्योंकि अगर इसको खुला एक स्ट्रेट पाथ में आप रखेंगे तो ये इक्विपमेंट, ये एवोपोरेटर जो है, इससे दूर होता जाएगा और ये पूरा इक्विपमेंट बहुत स्पेस लेगा. यही टर्निंग जो है आपने रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पर भी आप लोगों ने घरों में देखी होगी, और उसमें भी एक कैपिलरी ट्यूब यूज होता है. ठीक है, तो अगर वाल नंबर फोर को आप यूज करेंगे और वाल नंबर फाइव क्लोज होगा तो कैपिलरी ट्यूब विल बी एक्टिंग एज अ प्रेशर रिडक्शन सोर्स, और प्रेशर रिड्यूस होगा. हाई प्रेशर लिक्विड वाल नंबर फोर से आगे हाई प्रेशर लिक्विड होगा और इसकी प्रेशर रिड्यूस होगी, लो प्रेशर लिक्विड आएगा और यहां पर उसकी हम टेम्परेचर अगेन फारेनहाइट स्केल में आप उसका ऑपरेटर के इनलेट पॉइंट पर उसकी टेम्परेचर फाइंड कर लोगे और प्रेशर गेज से इसका प्रेशर जो है वो आप फाइंड कर लोगे. अच्छा, यहां पर वाल फोर से इस कैपिलरी ट्यूब से आएगा तो दो पाथ्स हैं, देयर आर टू पाथ्स. वन इज लीडिंग टुवर्ड द एवोपोरेटर, यहां पर आपको वो ट्यूब नजर आ रहे. द सेकंड पाथ इज दिस वन, दूसरी द सेकंड ट्यूब इज कमिंग डाउनवर्ड एंड इट इज टेकिंग 90 डिग्री टर्न एंड थ्रू द वॉल नंबर 11 एंड अगेन थ्रू द कैपिलरी ट्यूब इट कैन एंटर आल्सो टू द कंडेंसर. So if you are using this equipment in a cooling mode, your valve number 11 must remain closed. It must remain closed in the cooling mode in operating this component or in operating this unit in a cooling mode. So you will close valve number 11 and you will either use valve number 4 and valve number 5. So what will happen? The refrigerant will come over here, it will fill the tube up to this point, but onward from valve number 11, it will not be allowed to come through this capillary tube to get enter into the condenser. So the only path for the refrigerant flow is to flow through this tube and it will enter again this heat exchanger, and this heat exchanger is known as evaporator. Similarly, if you are using the thermostatic extension wall, let me finish it, phir aap question kare, theek hai? So you will close this wall number 4 and you will open wall number 5. So it will come over here and yahan par enter ho jayega. Aur ye aapka thermostatic expansion wall hai. Yahan se nikal ke is evaporator ke andar wo enter ho jayega. So high pressure liquid wall number 4 or 5 ke is side par hai. और वो लो प्रेशर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एवोपोरेटर के प्रेशर पर आ जाएगा और आगे वो फीड हो जाएगी एवोपोरेटर को. तो अभी आप क्वेश्चन करें, और यहां पर इनलेट पर टेम्परेचर स्केल से टेम्परेचर फाइंड हो जाएगी और प्रेशर गेज से उसकी प्रेशर फाइंड हो जाएगी. जी अभी आप क्वेश्चन करें अगर आप सर. बस ठीक है सर, इधर तक कर लेंगे सर, बाकी नमाज के बाद कर लेंगे. आप 1:30 बजे नमाज है जमात सर, तो उधर जा रही. अच्छा, तो फिर आपको ये रिकॉर्डिंग दो हिस्सों में मिलेगी. ठीक है, तो फिर मसला हो जाएगा मेरे ख्याल से. सर फिर खत्म कर ले सर, हमारे यहाँ सर 2 बजे सर. फिर यार ये अभी इशू हो गया ना, ये कुछ लोग जुमात के साथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ मतलब सेपरेट पढ़ना चाहते हैं, तो मसला हो जाएगा. अच्छा, आप डिसाइड करें, मुझे बता रहे हैं. अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि 2 बजे तक मैं इसको खत्म कर दूं. अगर खत्म ना हुआ तो फिर ब्रेक दे देंगे, लेकिन उस टाइम तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, सो लेट मी फिनिश इट, नेक्स्ट टाइम आप देख ले, अगर 11 बजे आप क्लास रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, वैसे भी ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो जो अभी गए हैं मस्जिद गए हैं या नमाज पढ़ने गए हैं, तो उनके उनके साथ ये मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है.
अच्छा सो अगेन अच्छा इससे यहाँ तक जो क्वेश्चन है आप कर ले, बाकी आगे फिर हम जाते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन है आप कर ले, क्वेश्चन है मुझे रिस्पांस दे दे, नहीं है तो आप कह दे। यार वॉल नंबर 5 सर ओपन कर ले सर, और वॉल नंबर 4 सर क्लोज कर ले, फिर हाँ भी सर यही सेम है, सेम होगा सर, टेम्परेचर फिर क्या और होगा? प्रेशर, टेम्परेचर हाँ और नहीं, प्रेशर रीडिंग। फिर वॉल नंबर 4 अगर आप क्लोज करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो यूज नहीं होगी, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वॉल यूज होगी। तो प्रेशर रिडक्शन और कैपिलरी ट्यूब की प्रेशर रिडक्शन और थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वॉल की प्रेशर रिडक्शन में डिफरेंस होता है, तो वो प्रेशर रिडक्शन थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है? सेम नहीं रहेगी। सही है सर। अच्छा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अच्छा आगे, उसके आगे जो है अगेन हीट एक्सचेंजर है, और ये हीट एक्सचेंजर एज ए ऑपरेटर काम करता है इन अ कूलिंग मोड, और अगेन यहाँ पर 3 ग्लास ट्यूब है, ऊपर एक लगा हुआ है, दरमियान में एक है और बिल्कुल बॉटम पर है। बैक साइड से फैन ऑन है इस नाब के थ्रू, और वो क्रॉस फ्लो में से एयर की फ्लो कराता है, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट यहां पर एंटर होगा, तो ऊपर वाले ग्लास में आपको पूरा का पूरा लिक्विड से भरा जो है वो ग्लास ट्यूब आपको दिखाई देगा। जब ये टर्न लेगा तो अभी सिचुएशन उलट है, अब इस हीट एक्सचेंजर में रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर लो है, एयर की टेम्परेचर हाई है, सो द हीट विल एक्चुअली फ्लो फ्रॉम द एयर टू द रेफ्रिजरेंट। तो जब हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगी, और जो एयर उस साइड से इससे फ्लो होगी क्रॉस डायरेक्शन में, और आप सामने हाथ रखेंगे, सो यू विल फील दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो द लिक्विड विल चेंज इट्स स्टेट, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम टू दिस मिडल ट्यूब यू विल सी दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द लिक्विड इन द मिडल ट्यूब इज लोअर एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द लिक्विड इन दिस टॉप ट्यूब, ठीक है? और फिर वो हीट पिक करेगा अल्टीमेटली यहां पर बॉटम पर जो ग्लास ट्यूब है उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, दैट विल इंडिकेट दैट नो द रेफ्रिजरेंट इज कंप्लीटली चेंज इन टू वेपर स्टेट। तो इनलेट पर लिक्विड एंटर हो रहा था, एग्जिट पर उससे गैसियस स्टेट में रेफ्रिजरेंट निकलेगा, तो ये जो स्टेट की चेंज आ रही है लिक्विड टू द वेपर, वो जो चेंज आ रही है दैट चेंज इज ऑनली पॉसिबल इफ द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट, और वो किससे हीट एब्जॉर्ब करता है, जो इसके साथ एयर कंटेक्ट में आती है, तो जब एयर से हीट एब्जॉर्ब करेगी तो एयर हीट रिजेक्ट करेगी, एज ए रिजल्ट एयर की टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगी, और इसका टेम्परेचर जो है बीइंग इन अ ड्यूअल फेज वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अगर यहां पर थोड़ी सी सुपर हीटिंग हो रही है तो एग्जिट स्टेट में उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा और यहां से वो रेफ्रिजरेंट निकल जाएगा, इस एग्जिट स्टेट पर आ जाएगा। जी कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी आप पूछ ले। सर, ये जो एयर की सक्शन होती है और सर ये जो रिलीज करता है सर, ये इसी कंपोनेंट से करता है ना जी? एयर सक्शन किससे होती है? एक तो ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट है, उसको आप एयर से आप कंफ्यूज ना करें। नहीं नहीं सर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ रूम एयर की सर। हाँ रूम एयर, इस ऑपरेटर यूनिट के पीछे पंखा लगा है, उसका पर्पस ये है कि रूम एयर को सक कर ले और इस हीट एक्सचेंजर से गुजार दे क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में, तो जब उससे क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में गुजरेगी तो ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होता है तो उसके साथ उसकी कंटेक्ट बन जाती है, एंड बीइंग द डिफरेंस इन द टेम्परेचर हीट फ्लो होगी उसको रेफ्रिजरेंट को, तो रेफ्रिजरेंट की हीट एब्जॉर्प्शन लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा पार्टली, और पार्टली सेंसिबल भी अगर उसकी सुपर हीटिंग हो रही है, और सर ईयर आप जो कह है वो रहे हैं सेंसिबल हीट रिजेक्ट करेगी। जी सही सर, सर मतलब बैक साइड से इसके करेगा सक। हाँ, बैक साइड पर पंखा लगा है, उधर से सक करेगा, और सामने जो आपका स्क्रीन है जिस स्क्रीन पर आपको ये फिगर नजर आ रही है बिल्कुल सामने आपकी तरफ हवा आएगी, तो बैक से ईयर आएगी, सक होगी और सामने वो थ्रो करेगी वो फैन। लेकिन सर जो स्प्रेड एसीज होते हैं सर, सर इसमें तो वो हाँ ये जो वॉल पे माउंट करते हैं
वो तो इसका बैक साइड तो कवर नहीं होती फिर, मतलब स्प्लिट बाहरी एसी कैसे में क्लीन अगर होती है सर? आपने स्प्लिट एसी में अगर आप लोगों ने देखा हो ना, जो बाहर जो कंडेंसर यूनिट होता है उसमें तो एग्जैक्टली इसी तरह से होता है, एक साइड से सक करता है और हीट एक्सचेंजर से गुजारता है। लेकिन जो इंडोर यूनिट में होता है, आपने अगर देखा हो उस एवोपोरेटर के ऊपर छोटे से उस फ्रेम के अंदर जो ग्लास का जो प्लास्टिक की फ्रेम होती है उसमें सुराख होते हैं और इसके नीचे जो है वो फिल्टर लगा होता है, तो उन सुराख से रूम की एयर को सक करता है और जो पैनल होता है उसके थ्रू उसको थ्रो करता है। ये तो मतलब लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, देखना होता है, डेटा लेना होता है, तो इसलिए इसकी डिजाइन इस तरह से बनाई हुई है। सही सर, सही राइट सर। अच्छा, सो हाई प्रेशर लो प्रेशर लिक्विड एंटर होगा और लो प्रेशर वेपर फेज में रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलेगा। सो अगेन इट इज आइसोबैरिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विद रेफरेंस टू द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर इस एग्जिट पॉइंट के साथ एक ट्यूब इन कंटेक्ट में है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई है, और ये ट्यूब ऊपर इस तरह छोटा सा ट्यूब है ये ऊपर गिया हुआ है और उसकी कनेक्शन बनी हुई है इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल के साथ, ठीक है। इस ट्यूब की पर्पस क्या है, ये इंशाल्लाह थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल की वर्किंग प्रिंसिपल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें उसकी वो उसको डिस्कस करेंगे कि इसकी पर्पस क्या है। बाय द वे इसको कहते हैं सेंसिंग बल्ब। ये क्या करता है, एग्जिट पर रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर को सेंस करता है और इस ट्यूब के अंदर वो जो फ्लूइड होता है जिसको पावर फ्लूइड कहते हैं, वो पावर फ्लूइड वो सिग्नल आगे भेजता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को और उसी हिसाब से जो है वो फ्लो कंट्रोल कराता है इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल से। तो इसकी जो पर्पस है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल की वर्किंग प्रिंसिपल पर के अंदर, वर्किंग प्रिंसिपल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इसकी भी डिस्कशन होगी, ठीक है। पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक सेंसिंग बल्ब सा लगा होता है जिसको सेंसिंग बल्ब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर इससे ये निकल जाएगा ये, और यहां पर बिल्कुल इस हीट एक्सचेंजर के साथ एक टच एक ट्यूब ऊपर गया हुआ है, ये निकल गया, सेंसिंग बल्ब ने टेम्परेचर सेंस कर दिया, उसने सिग्नल थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल को भेज दी। दूसरा ट्यूब जो यहां पर आया हुआ है रेफ्रिजरेंट, इसकी टर्न है, वो टर्न लेके ऊपर गया है, फिर आगे जो है हमारे पास प्रेशर गेज यहां पर भी लगा है। इस प्रेशर गेज से एग्जिट ऑफ द एवोपरेटर के ऊपर प्रेशर हम मेयर कर सकते हैं और इस गेज से हम उसकी टेम्परेचर मेयर कर सकते हैं। अगेन इस पॉइंट पर आगे वाल नंबर 7 लगा है और यहां पर जो है दिस इज वाल 4 5, दिस विल बी वाल 6 एंड दिस इज वाल नंबर 8 एंड दिस इज वाल 9, 7 एंड वाल 9, ठीक है। सो दो पाथ्स हैं रेफ्रिजरेंट के फ्लो के लिए, एक थ्रू द वाल नंबर 7, और जब ये आप खुला छोड़ेंगे और ये आप क्लोज करेंगे तो रेफ्रिजरेंट इस पाथ में नहीं आएगा बल्कि इधर आके वाल 7 से गुजर के इधर आएगा इस ट्यूब में। यहां पर अगेन उसकी टेम्परेचर स्केल से फाइंड कर लोगे और इस टेम्परेचर इस 10 10, सॉरी ये वाल नंबर 10 ये है, ठीक है, और ऊपर जो गेज लगा है इससे प्रेशर फाइंड कर लोगे। और यहां से निकल के रेफ्रिजरेंट यहां से निकल के इधर आएगा, वाल 7 से होता हुआ इधर आएगा और इधर आके इस 4 वे वाल के अंदर वो इंटर हो जाएगा और सक्शन लाइन से होता हुआ कंप्रेसर को चला जाएगा। कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा और इस ट्यूब से अगेन इस 4 वे वाल को भेज देगा, और 4 वे वाल की पोजीशन अब इस तरह से है कि इस साइड पर इससे नीचे 3 पाइप्स गई हुई है, ठीक है। तो इस साइड वाली ट्यूब में वो रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज प्रेशर पर आके यहां से निकल जाएगा और दोबारा इधर इस कंडेंसर यूनिट को इनलेट इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर दो पाथ्स हैं, वाल नंबर 7 को खुला छोड़ोगे तो ये मैकेनिज्म उसमें यूज नहीं होगी, ठीक है। ये आपने यूज करना है तो वाल नंबर 7 आप क्लोज कर दोगे तो रेफ्रिजरेंट जो यहां पर आया हुआ है वो यहां से निकल के इधर आ जाएगा,
इस मैकेनिज्म को जो दो सिलेंडर हैं इसको कहते हैं ऑयल सेपरेशन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑयल सेपरेशन मैकेनिज्म। समझ रहे हो या नहीं? इसको क्या कहते हैं आप बता? ऑयल सेपरेशन मैकेनिज्म। अच्छा, आपको पता होता है कि देयर इज अ मूविंग कंपोनेंट इनसाइड द कंप्रेसर एंड दैट इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और उसकी लुब्रिकेशन हम करते हैं ताकि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से ओवर हीटिंग काज ना हो, क्योंकि ओवर हीटिंग काज होगी तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो जल जाएंगे। ठीक है, तो उस ओवर हीटिंग को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, कंप्रेशन की लाइफ बढ़ाने के लिए वो जो, अच्छा स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रहा या क्या मसला है? स्क्रीन नजर आ रहे आपको? जी अभी आ गया। अच्छा तो ठीक है, सही है। तो उस कंप्रेसर की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर ऑयल यूज होता है। ये जब हम रेफ्रिजरेंट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ऑयल कंपेटिबिलिटी का भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो रेफ्रिजरेंट आप यूज करेंगे वो कंपेटिबल होना चाहिए कंप्रेसर के ऑयल के साथ। बाज़ोकात इस तरह से होता है कि कंप्रेसर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट चला जाता है तो उस रेफ्रिजरेंट के साथ कुछ ऑयल जो है वो मिक्स हो जाती है, और उस मिक्सिंग की हमने दो तीन टाइप्स पढ़ी थी। एक कंप्लीटली मिक्स हो जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं आता क्योंकि वो दोबारा ट्रेवल होके कंप्रेसर के अंदर दोबारा भी आ सकता है। एक पार्शियली मिसेबल होता है जो कि मतलब थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है और थोड़ा बहुत मिक्स नहीं होता। ठीक है, और एक कंप्लीटली इमिसेबल होता है जो बिल्कुल मिक्स नहीं होता। तो अगर पार्शियली मिसेबल है और इस कंप्रेसर से लार्ज अमाउंट में ऑयल चला जाए इस सर्किट के अंदर तो उसको दोबारा उससे निकालने के लिए इस कंपोनेंट के अंदर ऑयल सेपरेशन मैकेनिज्म लगा है। और ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है? यहां पर अगर आप देख ले तो वाल नंबर 6 लगा है। ठीक है, इस वाल नंबर 6 से नीचे ट्यूब गई हुई है और इस सिलेंडर के बॉटम पर आई हुई है। अब लिट से यहां से कंप्रेसर से लुब्रिकेटिंग ऑयल भी रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स होके इस सर्किट में आ गया है। ठीक है, अब लुब्रिकेटिंग ऑयल और जो रेफ्रिजरेंट की जो डेंसिटी होती है उसमें डिफरेंस होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल की डेंसिटी हाई होती है, रेफ्रिजरेंट की डेंसिटी लो होती है। तो क्या होगा कि जब बॉटम पर ये मिक्सचर आएगा, तो जब मिक्सचर आएगा तो द लुब्रिकेटिंग ऑयल बीइंग इन अ हाई डेंसिटी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो रेफ्रिजरेंट है बीइंग लाइटर वो ऊपर इधर आ जाएगा। तो जब ऊपर आएगा तो इस सिलेंडर के अंदर नीचे ऑयल बैठ जाएगा और रेफ्रिजरेंट इस टॉप ट्यूब के थ्रू वाल नंबर 8 से गुजर के इधर कंप्रेसर में वो रेफ्रिजरेंट चली जाएगी। तो जब सर्टन अमाउंट में लुब्रिकेटिंग ऑयल इस सिलेंडर के अंदर स्टोर हो जाएगी तो कुछ टाइम के लिए वाल नंबर 9 हम खोल देंगे तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल इस सिलेंडर से आके जो है इस सिलेंडर में आ जाएगी, एंड देन थ्रू वाल नंबर 10 वो ऑयल केसिंग के अंदर, कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल केसिंग है इस वाल 10 से फ्यू सेकंड के लिए इस वाल 10 को खुला छोड़ देंगे तो कंप्रेसर खुद ब खुद ऑयल केसिंग के अंदर उस ऑयल को अपनी तरफ सक कर देगा और वो ऑयल जो है इस कंप्रेसर के अंदर वो चली जाएगी। समझ रहे हो या नहीं? यस सर। अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे इसको ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता दे क्या क्या मैकेनिज्म है, आप बता। तो अगर ये वाल 7 जो है ना, हाँ, तो इसको हम अगर खुला छोड़ देंगे और कुछ वक्त के लिए जो जो ऑयल सेपरेशन वाले इसको खुले रखेंगे तो सही नहीं होगा? नहीं, वो इसलिए सही नहीं होगा कि इसका पर्पस क्या है कि ऑयल को सेपरेट कर दे। अगर वाल 7 भी खुला छोड़ा है और वो भी खुला छोड़ा है तो कुछ रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आएगा और कुछ रेफ्रिजरेंट ये था कि हाँ अगर आधे घंटे के लिए हम वाल 7 इस्तेमाल करें फिर वो बंद कर दे और ये ऑयल सेपरेटर इस्तेमाल कर दे 2-3 मिनट के लिए तो सही नहीं होगा?
वो भी आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें आपकी टारगेट ये होती है, जब ये पूरा इक्विपमेंट आप डिजाइन करते हैं तो ऐसा ऑयल और ऐसी रेफ्रिजरेंट आप यूज करें कि इसमें जो जो जिस कैटेगरी में मिसिबिलिटी ऑयल्स, मतलब ऑयल अगर कंप्रेसर से निकलता है और उसमें वो जो तीन मिक्सिंग प्रॉपर्टीज वाली रेफ्रिजरेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो पेयर है जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो तो आप यूज ही ना करें ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े ऑयल सेपरेशन की, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई थोड़ा बहुत उससे निकलता है और उसको आपने रिकवर करना है, सो द बेस्ट अप्रोच इज कि आप वाल नंबर 7 को जो है वो आप बंद कर दे और इसको आप यूज करें, और फिर मतलब कुछ टाइम के बाद अगर इसको आप 2-3 घंटों के लिए चला दे तो फ्यू सेकंड्स के लिए वाल नंबर 9 और 10 आप खोल ले तो इसमें अगर थोड़ी बहुत ऑयल इस कंप्रेसर से चली गई है तो वो दोबारा इससे होता हुआ इस कंप्रेसर के अंदर दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। सर रेफ्रिजरेंट जब ऑयल के साथ मिक्स होगा तो उसकी हीटिंग या रेफ्रिजरेंट इफेक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि डुअल फेज जाएगा उधर, डुअल फेज में रेफ्रिजरेंट को ये नहीं पता कि ऑयल से मैं हीट पिक कर रहा हूँ या एयर से कर रहा हूँ, तो ऑयल से भी हीट पिक करेगा, ऑयल से हीट पिक करेगा तो वो हमें मतलब उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऊपर यूटिलाइज हो जाए। हमारी टारगेट होती है कि वो पूरी की पूरी ईयर उस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उस ईयर के ऊपर यूटिलाइज हो जाए जिसकी हम कंडीशनिंग करना चाहते हैं, तो अगर वो ऑयल के ऊपर पार्टली यूटिलाइज होगी तो सीओपी आपकी घट जाएगी, वो कम पड़ जाएगी। ठीक है ना। यस सर। और इसके अलावा आपका जो कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, आपके डोम के अंदर डुअल फेज आएगी तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगी और एनालिसिस भी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो आपकी टारगेट ये होगी कि प्योर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो पूरे सर्किट के अंदर। ओके सर। अच्छा और कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले आप। अच्छा अच्छा गुड। आगे जो है ये हमने डिस्कस कर दिया, ये चीज डिस्कस कर दी, ये डिस्कस कर दी, ये हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ ये फोर वे वाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको फोर वे वाल क्यों कहते हैं, मैं भी मेरे पास अभी इसके वो फिगर भी हो इस लैब रिपोर्ट में तो नहीं होगी लेकिन उसमें होगी। अच्छा ये मेरे ख्याल से अगर उसमें है, लेट मी शेयर दैट फाइल और उसमें मैं इसकी थोड़ी सी आपको फिगर बताता हूँ और इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू दोस फिगर, इस फोर वे वाल की फिगर, और फिर हम ये शेयर हो गया है ये। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है एक मिनट वो आ जाए तो। ये है ठीक है, दिस इज द फोर वे वाल। इसको फोर वे वाल इसलिए कहते हैं कि इसको इससे तीन पार्ट्स नीचे गई हुई है और एक ऊपर से आया हुआ है और इसकी फिगर ये है एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसमें जो ऑपरेटर कंडेंसर में चेंज होता है और कंडेंसर ऑपरेटर में चेंज होता है वो इस ब्लैक बकेट की पर्पस है, अगर ये इन दो के ऊपर आ जाए तो डिस्चार्ज से जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो इस ट्यूब में गुजरेगा, अगर वो इन दो ये बकेट जब स्लाइड हो जाती है तो इन दो ट्यूब के ऊपर आ जाए तो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट ऊपर से आएगा इन दो ट्यूब में नहीं जा सकेगी बल्कि यहां से गुजर के इधर आ जाएगी, तो जब इस यूनिट में आएगी तो ये कंडेंसर बन जाएगा, अगर ये पोजीशन इस तरह से है तो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट यहां पर आएगी इस ट्यूब से होती हुई यहां पर आएगी तो ये आपका कंडेंसर बनेगा, ये इसकी पर्पस है और ये हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह जब इससे रिलेवेंट लैब हम करेंगे तो ये उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सही है सर।
बाय द वे, इस फिगर से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है कि डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन किस तरह से हम चेंज करते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ऊपर से कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट आएगा। अगर ये बकेट इन दो ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर आ रही है तो इन दो ट्यूब में ये डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं कर सकेगा, बल्कि यहां पर आके ये ओपनिंग खुली है तो इधर आ जाएगा, तो इनडोर यूनिट आपका कंडेंसर बन जाएगा। ये जब हम ऑन करेंगे ये फोर वे वाल्व, तो ये बकेट स्लाइड होके इन दो ट्यूब के ऊपर आ जाएगी और ये खुला रह जाएगा, तो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट अब इस ट्यूब से होता हुआ इधर आ जाएगा, तो आउटडोर यूनिट जो बायर लगा है वो आपका कंडेंसर बन जाएगा और इनडोर यूनिट आपका ऑपरेटर बन जाएगा। समझ रहे हो? यस सर, अच्छा, तो यहां पर जो अभी मैं आपको बता रहा था कि दिस इज द फोर वे वाल्व, वो फोर वे वाल्व इस यूनिट के अंदर यहां पर लगा है। लेट मी अगेन प्रेजेंट दैट स्लाइड और उसमें मैं आपको बताता हूं कि ये है वो फोर वे वाल्व। अच्छा, ये शेयर हो गया ये स्क्रीन? यस सर, अच्छा, दिस इज दैट फोर वे वाल्व, ये वो सिलेंडर है और ये वो ऊपर से पाइप आया हुआ है और नीचे से तीन पाइप गई हुई है, ठीक है। मिडल ट्यूब कंप्रेसर के साथ कनेक्ट है और इस साइड वाला ट्यूब इस यूनिट के साथ कनेक्ट है, और ये दूसरा ट्यूब जो है जो यहां से आया हुआ है ये उस साइड पर है, और ऊपर से जो ट्यूब आया हुआ है ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। तो ये वो फोर वे वाल्व है, इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह रिलेवेंट लैब में डिटेल के साथ होगी, ठीक है। तो आगे कंप्रेसर है, रिसिप्रोकेटिंग टाइप है, इसको हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। हर्मेटिक कंप्रेसर वो होता है जिसके अंदर पूरी मैकेनिज्म जो कंप्रेशन की होती है वो एक क्लोज केसिंग के अंदर होगी। दूसरा कंप्रेसर होता है रिसिप्रोकेटिंग टाइप, उसको ओपन टाइप कंप्रेसर कहते हैं। उसमें जो शाफ्ट होता है वो इस केसिंग से बाहर निकली होती है, उसको मैकेनिकल पावर थ्रू बेल्ट एंड पुली आप देते हैं, वो रोटेट होता है और वो आगे कम सिलेंडर और पिस्टन की मूवमेंट कराता है और उससे कंप्रेशन होती है। तो ये हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर यूज होता है। इसकी सक्शन लाइन जो इस फोर वे वाल्व की मिडल ट्यूब है वो उससे रेफ्रिजरेंट सक हो गए ऑपरेटर से, और वो कंप्रेस करके इस डिस्चार्ज लाइन से ऊपर सिलेंडर में आएगा। डिपेंडिंग ऑन द बकेट इनसाइड द सिलेंडर, वो डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर है। इन दिस कूलिंग मोड वो इस सिलेंडर के जो उस तरफ दो ट्यूब है उसके ऊपर होता है, तो ये वाला ट्यूब खुला रहता है, तो इससे फ्लो होके रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब में हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इधर आ जाता है, और वो कंप्रेसर कंडेंसर के अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। यहां पर एक ब्लैक कंपोनेंट ये हमने डिस्कस नहीं किया, इसको कहते हैं हाई प्रेशर कटआउट स्विच। ये क्या करता है कि जब यूनिट के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो इसकी कनेक्शन यहां से एक ट्यूब निकली होती है, और ये ट्यूब कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ उसकी कनेक्शन है। इस कंप्रेसर के बैक साइड पर यहां पर जो ट्यूब डिस्चार्ज लाइन निकला हुआ है इसके साथ इसकी कनेक्शन है। तो जब प्रेशर कंप्रेसर का जितना भी होगा वो सेंस होगा और यहां पर इस हाई प्रेशर कटआउट स्विच के अंदर उसकी सिग्नल आ जाएगी। ये कटआउट स्विच एक स्पेसिफिक प्रेशर वैल्यू पर हमने सिट की होती है, और इसकी इनपुट कंप्रेसर के जो इलेक्ट्रिकल इनपुट है उसके साथ इसकी दूसरी कनेक्शन होती है। तो जो वो हाई प्रेशर इस उस लेवल से बढ़ जाए कंप्रेसर के अंदर तो वो सिग्नल मिल जाती है इस प्रेशर कटआउट स्विच को। तो अगर वो प्रेशर उस डिजायर लेवल से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रिकल इनपुट कनेक्शन, कंप्रेसर की जो इनपुट कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल इनपुट, उसको सिग्नल भेजता है और वो इलेक्ट्रिकल इनपुट को कट कर देता है, तो कंप्रेसर अल्टीमेटली खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाता है। वो क्यों हम ऑफ कराते हैं? वो इसलिए ऑफ कराते हैं कि अगर कंप्रेशन से प्रेशर डिजायर लेवल से बढ़ जाए तो उससे ट्यूब्स के फटने का खतरा होता है, तो उसको डिजायर लेवल पर रखने के लिए ये हाई प्रेशर कटआउट स्विच हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने अभी डिस्कस कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट तो ये भी आप पूछ ले, ठीक है। वो इस पूरे कंपोनेंट से, पूरे इक्विपमेंट से अभी भी अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। जी
सर, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये हाई प्रेशर कट आउट स्विच से जाती है कंप्रेसर को। सर हाँ एग्जैक्टली इसको आप इस तरह से समझ ले कि इसके अंदर एक स्केल लगा होता है और उसको जिस स्केल के ऊपर जिस प्रेशर पर हम सिट कर दे, अगर कंप्रेसर की प्रेशर उससे बढ़ती है तो ये कंप्रेसर की को सिग्नल भेजेगा जो इसकी इलेक्ट्रिकल इनपुट है, जो इलेक्ट्रिकल करंट मिलती है और उसको ऑन ऑफ करता है ये, ठीक है। तो अगर लेट से प्रेशर इस पर सिट है 12 PSI और कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाता है लेट से 13 PSI जो कि हार्मफुल है इस कंपोनेंट के लिए, तो वो प्रेशर ये सेंस कर देगा 12 PSI पर ये सिट है और प्रेशर उसको मिल रहा है सिग्नल 13 PSI, तो ये वो इलेक्ट्रिकल जो इनपुट करंट मिलता है कंप्रेसर को उसको सिग्नल भेज देगा और वहां से वो इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई कट जाएगी, तो कंप्रेसर खुद ब खुद जो है वो उस कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। तो जब वो ऑफ हो जाएगा तो पूरा का पूरा यूनिट भी ऑफ हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट की सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाएगी, ठीक है ना। सर, ये डिजायर्ड प्रेशर जो हमने सेट किया, ये डिस्चार्ज प्रेशर होती है कंप्रेसर का इतने हाँ, तक? ये ओके डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर की डिस्चार्ज प्रेशर को सेंस करता है, उसके साथ उसकी कनेक्शन लगी होती है, ठीक है। सही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले, कोई क्वेश्चन है? हेलो या क्वेश्चन है या नहीं है, कुछ तो आप बता नहीं है, देना। नहीं है सर। अच्छा, सो दिस इज इट फॉर टुडे लैब, और इसकी जो टाइटल है आप ये लिख दे, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्नोएट रेफ्रिजरेशन यूनिट, ठीक है। और ये आपके लैब रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके बाद इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को यूज करना है और हमने COP फाइंड करनी है 3 मेथड से। उसमें हम थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की पूरी डिटेल, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एनालिसिस आप लोगों ने खुद करनी होगी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सर जी, ये पार्ट्स के नाम जरा जल्दी जल्दी बता दें कि ये ऑपरेटर, ये बस इसके बाद अच्छा, ये वाल। दिस इज एवपोरेटर, These are the temperature scale inlet to evaporator and exit of the evaporator. This is the pressure gauge inlet of the, sorry, this is condenser unit, ठीक है, in the cooling mode. So this is the inlet pressure gauge to the condenser. This is the exit pressure gauge. This is the liquid receiver tank. This is the side screen. This is the flow meter. This is the dryer. This wall number 4 lead to the capillary tube. Wall number 5 lead to the thermostatic expansion wall. Again, at the inlet of the evaporator, we have temperature scale, we have this pressure scale, and this is the evaporator unit. This is exit of the evaporator. Again, exit of the evaporator per temperature scale and the pressure gauge. This is the oil separation mechanism. This tube lead to the oil casing. This tube lead to the suction line of the compressor. This is the compressor. This is the four-way valve. This is the liquid receiver tank. This is the high pressure cutout switch. And this whole unit is the Technoet refrigeration unit. These are the on-off button of the condenser and evaporator fan. This knob is for the on-off of the compressor. This is the watt meter. This is the ampere meter. And this is the voltage meter. This is the main supply input to the compressor on-off switch. ठीक है, तो ये पूरी जो डिटेल है ये हमने इसकी डिटेल डिस्कस की है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विपमेंट एंड थ्रू दिस इक्विपमेंट वी कैन डू 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड वी विल डिस्कस दैट इन इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लास। जी क्वेश्चन है तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, नो क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं तो फिर